एवरीवन कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका क्लास नंबर टू में मुझे उम्मीद है कि आपको पहली क्लास अच्छी लगी होगी उसके कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे उसके क्वेश्चंस आपने लिखकर प्रैक्टिस कर, कर लिए होंगे हालांकि कोई केस स्टडी थी भी नहीं पहली क्लास के चैप्टर्स में आज के चैप्टर्स में केस स्टडी है आज के चैप्टर्स में केस प्रॉब्लम्स हैं और मुझे उम्मीद है कि आप घर पर पूरा समय देंगे ठीक है जो तीन चैप्टर्स हमारे हो गए उन चैप्टर्स को आपने घर पर अच्छे से पढ़ने का मतलब यह है कि आपने मेरे पी को पूरा कंप्लीट कर लिया कहीं और से कुछ करने की नीड नहीं है दोस्तों आप मेरे क्लास और मेरा बैच जो ये वाला चल रहा है ये फास्ट ट्रैक है मेरे नोट्स फास्ट ट्रैक नहीं है मेरे नोट्स डिटेल प्लस फास्ट ट्रैक दोनों हैं ठीक है थीके? तो बिल्कुल देरी आप नहीं करते आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आपके फास्ट ट्रैक रिविजन में आज का हमारा एजेंडा है तीन टॉपिक्स एक फेमा बैंकिंग और सरफासी बैंकिंग के साथ एक रोल ऑफ आर और है तो कुल मिलाकर दो मॉड्यूल यानी कि दो चैप्टर आज आप करेंगे एक तो ये वाला चैप्टर नंबर सिक्स फेमा और चैप्टर नंबर सेवन और सेवन के तीन हिस्से हैं आप जानते हैं सेवन पॉइंट वन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेवन पॉइंट टू है आपका रोल ऑफ आरबीआई और सेवन पॉइंट थ्री है सरफासी तो अब शुरू करते हैं फेमा और उसके बाद एज यूजल हम बाकी का टॉपिक करेंगे फेमा खुद चार हिस्सों में बटा हुआ है आपके इंस्टीट्यूट की किताब में जो ये चैप्टर है सिक्स इसके चार हिस्से हैं जो सिक्स पॉइंट वन है वो फेमा है सिक्स पॉइंट टू एफ डी आई है सिक्स पॉइंट थ्री एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है और सिक्स पॉइंट फोर रेमिटेंस की लिमिट है जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एल आर एस रिजर्व बैंक की है ये चार अलग अलग टॉपिक्स को फास्ट ट्रैक मोड में करने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैं फेमा के मार्क्स बता दूं पहले आप सबको देखिए यहां पर जून सत्रह में तीन नंबर दिसंबर सत्रह में जीरो आया ही नहीं साहब फेमा फिर जून अट्ठारह में चार 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 सोलह दिसंबर दो हजार उन्नीस में सोलह नंबर का आ गया फेमा फिर छह नंबर तीन नंबर जून तेईस में चौदह नंबर का फेमा उसके बाद दिसंबर तेईस में सेवन और जून चौबीस में भी सेवन तो हम यहां पर ध्यान से एक बात नोटिस करें कि फेमा एक बार ऐसा है कि आया नहीं बाकी वेरिएशन बहुत है कई बार आया तो कम नंबर में आया कई बार आया तो ज़्यादा नंबर में आया एक बार नहीं आया इससे फिर से ये साबित होता है कि आप ट्रेंड के भरोसे बैठ नहीं सकते आप ट्रेंड के सहारे रुक नहीं सकते आप ट्रेंड के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते तो मोरल ऑफ द स्टोरी हर समय मैं यही आपको बता रहा हूं कि सब कुछ पढ़कर जाना है सब कुछ पढ़कर जाना है सब कुछ पढ़कर जाना है चलिए दोस्तों फेमा की शुरुआत करते हैं सबसे पहला हमारा है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है उस लिस्ट का जो यूनियन लिस्ट कहलाता है और सेवन शेड्यूल में यूनियन लिस्ट दी हुई है और उसके अंदर वो मैटर्स है जिस पर केवल और केवल संसद यानी कि केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है आपको राज्य सरकारों में कहीं नहीं मिलेगा कि यूपी सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज में कानून बनाया उड़ीसा की सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज पे कानून बनाया ऐसा नहीं होता ओनली दी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ यानी कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस फॉरेन एक्सचेंज ठीक है अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते ये दूसरा पॉइंट है एक सेकेंड रुकीयेगा हाँ दूसरा पॉइंट है मेजर एंट्रीज रिलेटेड टू फेमा यानी कि आपने भी देखा कि जो यूनियन लिस्ट है जिसमें लिखा है कि के केंद्र सरकार कानून बना सकती है उसमें ये वाली एंट्रियाँ सोलह नंबर छत्तीस सैंतीस फोर्टी ये फॉरन एक्सचेंज से रिलेटेड है तो ये चार एंट्री इस बात का सबूत है कि फेमा एक केंद्रीय कानून है एक राज्य का कानून नहीं है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो वैसे मुझे नहीं लगता कि रिवीजन और फास्ट ट्रैक में आपको इसकी ज़रूरत है पी में मैंने कुछ भी कटिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि आपको मैं कम से कम रीडिंग चाहता था कि आप पूरी कर लें देखिए आपका एग्ज़ाम आने में अभी कई समय काफ़ी समय है मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा समय है लेकिन कम समय भी नहीं है तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि रीडिंग तो हर टॉपिक की करना है लेकिन ये इतिहास का हम क्या करें बस हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए जून एक ईयर टू में फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू हो गया और इससे पहले फेरा नाम का कानून था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट तो फेरा खत्म हो गया और फेमा स्टार्ट हो गया कब से पहली जून 2000 से मेजर एम्फेसिस ऑफ फेमा फेमा का जो मुख्य एम्फेसिस है वो फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट पर है ना कि रेगुलेशन पर थोड़ा आप चैप्टर का नाम याद करिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा है और इससे पहले जो पुराना कानून था वो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि वहां पर रेगुलेशन पर फोकस था किसी भी तरह कंट्रोल कर लिया जाए लेकिन अब कंट्रोल की बात नहीं होती अब फ्री फ्लो की बात होती है जैसे फॉरेन एक्सचेंज मूव करना चाहता है करे डिमांड सप्लाई की कंडीशन जैसे मूव करना चाहती है करें बस केवल सरकार रिजर्व बैंक इतना ध्यान रखेंगे कि जो फ्लो है वो मॉनिटर्ड रहे और कहीं पर कोई भी गलत चीज हो रही हो तो उसको रोका जा सके सिर्फ मॉनिटरिंग आजकल होती है वैसी रेगुलेशंस नहीं होती जैसी फेरा के जमाने में हुआ करती थी अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव एंड अप्लीकेबिलिटी ये थोड़ा कीमती विषय है ध्यान दीजिएगा फेमा पूरे भारत में लगता है और रेजिडेंट आदमी के विदेशों में अगर ऑफिस है तो वहां भी लगता है ऑल ब्रांचेस ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया यानी कि अगर आप रेजिडेंट हो तो आप पर तो लग ही रहा है लेकिन resident की अगर foreign में assets हैं तो उनके ऊपर भी भी लग रहा है, उन offices पर, उन branches पर, उन agencies पर, पर, पर लगेगा। अप्लीकेबिलिटी आउटसाइड इंडिया क्या ये विदेश में भी लगता है हाँ अगर इंडियन रेजिडेंट आदमी ने भारत के बाहर जाकर अपराध किया तो वह ये कहकर बच नहीं सकता कि मैंने तो ये अपराध न्यूयॉर्क में करा है या श्रीलंका में करा है अगर रेजिडेंट इंडियन ने अपराध करा है तो हम उसको पकड़ेंगे ज़रूर वो हमारा व्यक्ति है हमारा रेजिडेंट है कालर खींच के ले आएंगे कहीं रहता हो कहीं बैठता हो कहीं काम करता हो नॉन अप्लीकेबलिटी और नॉन रेजिडेंट ऑब्वियसली जो नॉन रेजिडेंट है उनके ऊपर फेमा नहीं लगता जब तक वो भारत में आकर ट्रांजेक्शन्स ना करें अगर वो भारत की संपत्ति या खरीदने बेचने का या कोई ट्रांजेक्शन इंडिया में आकर करेंगे तो ऑब्वियसली फेमा लगने लगेगा नेचर फेमा एक सिविल लॉ है फेमा क्रिमिनल लॉ नहीं है याद कर लीजिए फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो पुराना कानून था 1973 का दैट वाज अ क्रिमिनल लॉ बट फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज अ सिविल लॉ इट इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ राइट फेमा कानून जो है उसका स्ट्रक्चर सात चैप्टर हैं फोर्टी नाइन सेक्शंस हैं पांच रूल हैं तेईस रेगुलेशन हैं, मास्टर सर्कुलर है एफ डी आई पॉलिसी है नोटिफिकेशन एंड ए पी ए पी जानते हैं आप ऑथराइज्ड पर्सन और ई डी है ये स्ट्रक्चर है इस कानून के अंतर्गत ये सारी बातें बताई जाती हैं आपके कोर्स में इतना सब कुछ नहीं है आपके कोर्स में चैप्टर का नाम पता आपको सेवन पॉइंट वन का नाम देखना सिक्स पॉइंट वन का सेलियंट फीचर्स ऑफ फेमा कंप्लीट पिक्चर ऑफ फेमा तुम्हारा कोर्स नहीं है तुम सीएमए एम फाइनल में हो ठीक है किसी दूसरे कोर्स के फेमा से कंपैरिजन मत करिए आप अपना कंपैरिजन में दुनिया मारी जा रही है बेचारी अगला कॉन्सेप्ट है बेनिफिट्स ऑफ एक्ट जब आप इसको देखोगे इस हेडिंग को जिसमें एक्ट के बेनिफिट्स बताए गए हैं यहां पर बेनिफिट्स कम और फेरा और फेमा का कंपेरिजन जो है वो ज्यादा लगता है यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो फेरा और फेमा पुराने और नए कानून के जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं एज कंपेयर टू बेनिफिट्स ऐसा क्यों है क्योंकि जो फेमा के बेनिफिट्स हैं वही फेरा की बुराइयां थी जो नए कानून के फायदे हैं वही पुराने कानून की बुराइयां थी देखिए मैंने बुराइयां और फायदे डिटेल में भी लिखे हैं और शॉर्ट में भी आपके लिए लिखे हैं बुलेट पॉइंट में भी लिखे हैं और पैराग्राफ में भी लिखे हैं फेरा में एवरी थिंग वॉज कंट्रोल्ड कुछ को छोड़ के और फेमा में एवरी थिंग इज परमिटेड कुछ को छोड़ के यानी कि पुराने कानून में प्रोहिबिशन ज्यादा थे परमिशन कम थी और नए कानून में परमिशन ज्यादा है प्रोहिबिशन कम है दूसरा फेरा में कंट्रोल्ड फ्लो था इसलिए फॉरेक्स कम था हमारे पास यहां पर फ्री फ्लो है लेकिन मॉनिटर्ड है तो हमारे पास रिजर्व बहुत ज्यादा है फॉरैक्स डीरेगुलेटेड हो गया फेरा में ज्यादातर पेमेंट के लिए आर अप्रूवल चाहिए था फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट करोगे विदेशों में किसी को पैसे भेजोगे तो आर अप्रूवल चाहिए होता था अब ज्यादातर पेमेंट के लिए आर अप्रूवल नहीं चाहिए ठीक है डीम्ड अप्रूवल देखें आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा जिसको भी बोलते हैं उसमें मैक्सिमम में अप्रूवल चाहिए होता था पहले अब मैक्सिमम में अप्रूवल नहीं चाहिए होता तो ये फेमा का बेनिफिट है यानी कि कंपनी के फायदे यानी कि पार्टनरशिप की बुराई नए कानून के फायदे यानी कि पुराने कानून की बुराई क्योंकि पुराने कानून की बुराइयों को दूर करने के लिए ही तो नया कानून बना होगा ठीक है ना चलो अब यहां पर इन्होंने बताया है कि डिफरेंस बताओ फेरा और फेमा में तो वैसे तो मैं बता चुका आपको ऊपर वाले पॉइंट लिख देना एक और ये याद कर लो फेमा क्रिमिनल लॉ है क्रिमिनल लॉ था मतलब फेम, फेरा फेमा सिविल है अच्छा सिविल और क्रिमिनल के साथ साथ एक बहुत बड़ा अंतर और है जो नीचे लिखा है फेरा में द प्रोजशन वॉज अपॉन द एक्यूज फेरा में सपोज किसी पर आरोप लगा कि तुमने विदेशी मुद्रा का गलत फायदा उठाया है तुमने कानून पालन नहीं करा तो उस पर आरोप लगा मतलब वो गिल्टी है मतलब डिपार्टमेंट दिप, दिप, ईडी सीबीआई ये लोग साबित नहीं करेंगे कुछ उन्होंने बोल दिया तुमने कांड करा है तो मतलब है तुम साबित करो कि कर तुमने नहीं है मतलब ईडी को सबूत पेश नहीं करने तुमने सबूत पेश करने कि तुमने गलती करी नहीं करी तुम इनोसेंट हो बताओ कितना बड़ा शिफ्ट हुआ अब क्या रूल है अब ईडी अगर कह रही है तुमने गलत करा है तो ईडी सबूत पेश करेगी तुम्हें नहीं पेश करना कि तुम इनोसेंट हो पहले तुम बाई डिफॉल्ट अपराधी थे अब तुम बाई डिफॉल्ट इनोसेंट हो फर्क समझे पहले तुम बाई डिफॉल्ट अपराधी थे और अब बाई डिफॉल्ट इनोसेंट हो ईडी को साबित करना है आपके तुम अपराधी हो पहले तुम्हें साबित करना था कि तुम अपराधी नहीं हो दिस इज अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम फेरा टू फेमा ठीक है एग्जाम में आए तो लिख देना चलो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑथराइज डीलर बोलते हैं होलसेल डीलर को मतलब साबुन नहीं बेचता है फॉरेन <laughs> एक्सचेंज का जो होलसेल डीलर होता है बड़ी क्वांटिटी में ऑथराइज पर्सन होते हैं वो लोग जिनको फॉरेन एक्सचेंज में डील करने की परमिशन है चार लोगों के नाम है यहाँ पर वो सभी लोग जिनको फॉरेन एक्सचेंज में डील करने की परमिशन है उनको एपी बोलते हैं ऑथराइज्ड पर्सन ऑथराइज डीलर ये होलसेल वाला है मनी चेंजर ये रिटेल वाला है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट यानी कि एक देश के बैंक की दूसरे देश में ब्रांच एनी अदर पर्सन वो कभी कभी मोन्यूमेंट ताजमहल या होटल वोटल को परमिशन दे दी जाती है फॉरेन एक्सचेंज चेंज करने की मनी चेंजर का बिजनेस करने की टेम्प्रेरी बेसिस पर या साइमल्टेनियस वो है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आप बहुत अच्छे से आपको समझनी चाहिए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में जो मैं इस वक्त लाइने बोलूँगा उसको आप वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा वही आपको एग्ज़ाम में लिख कर आ जानी है बहुत आसानी से काम समझ आ जाएगा देखो विदेशी आदमी विदेश में एसेट लाइबिलिटी खरीदेगा बेचेगा विदेशी आदमी विदेश में एसेट लाइबिलिटी खरीदेगा बेचेगा विदेशी आदमी विदेश में एसेट तो ठीक है नहीं होगी भारतीय आदमी भारत में एसेट लाइबिलिटी खरीदेगा बेचेगा भारतीय आदमी भारत में एसेट लाइबिलिटी खरीदेगा बेचेगा तो भी वो कैपिटल अकाउंट नहीं होगी कैपिटल अकाउंट कब होगा जब आदमी वहां का हो एसेट लाइबिलिटी यहां खरीदे बेचे या फिर आदमी यहां का हो एसेट लाइबिलिटी वहां बेचे यानी कि फॉरन रेजिडेंट इंडिया में एसेट लाइबिलिटी का ट्रांजेक्शन करे या इंडियन रेजिडेंट फॉरन में एसेट लाइबिलिटी का ट्रांजेक्शन करे ठीक है जी एक बात दूसरा पॉइंट रट लीजिए एसेट नेवर इंक्लूड्स कंटेंजेंट एसेट एसेट वर इंक्लूड्स कंटेंजेंट एसेट लाइबिलिटी इनक्लूड्स कंटेंजेंट लाइबिलिटी फॉर रेजिडेंट लाइबिलिटी इनक्लूड्स कंटेंजेंट लाइबिलिटी फॉर रेजिडेंट लाइबिलिटी डज नॉट इंक्लूड कंटेंजेंट लाइबिलिटी फॉर नॉन रेजिडेंट दोबारा सुन लीजिए कंटेंजेंट एसेट्स आर नॉट एट ऑल इंक्लूडेड कंटेंजेंट एसेट को इग्नोर कर देना क्वेश्चन में हो तो जेंट लाइबिलिटी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर रेजिडेंट कंटेंजेंट लाइबिलिटी शैल बी इग्नोर्ड फॉर नॉन रेजिडेंट स्पष्ट समझ आ गया बिल्कुल क्लैरिटी हो गई गुड आगे बढ़े करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या हो गई ऑल ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट यानी कि एसेट लाइबिलिटी से अलग एसेट लाइबिलिटी से अलग भी तो ट्रांजेक्शन हो सकती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होने वाले खर्चे होने वाली इनकम इन्वेस्टमेंट से आने वाला ब्याज मेडिकल खर्चे एजुकेशन के खर्चे टूरिज्म के खर्चे ट्रेवलिंग के खर्चे लिविंग एक्सपेंसेस ये सब करंट अकाउंट है यहां पर लिस्ट है तुम पढ़ के जाना मैं तो एक बात बता रहा हूं कितना सिंपल है एसेट लाइबिलिटी के अलावा बाकी सब क्या है करंट अकाउंट और कब होगा वही विदेश का आदमी भारत में और भारत का आदमी विदेश में ठीक है यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं जो बता रहा हूँ वो बस याद कर लें आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एफ क्या होता है बॉन्ड इशूड भाई देखो लाल कर, कलर करके कर लाया हूं मैं तुम्हारे लिए फेमा में लैंग्वेज सिंपल नहीं है फेमा में तुम बिना हाईलाइटिंग के पढ़ नहीं पाओगे वो बैंकिंग का चैप्टर या सरफासी वो तो बस बहुत आसान है ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हें एग्ज़ाम से एक रात पहले क्या रिवाइज़ करके जाना है तो वो मैं हाईलाइट करके लाया हूं पहले से बॉन्ड इशूड बाई इंडियन कंपनी लेकिन उसकी वैल्यू फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस होती है उसमें रुपया में नहीं छपा होगा डॉलर वॉलर में छपा होगा एफडीआई किसे आई किसी कहती है अजीब सी बात है नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है वो भारतीय कंपनी की कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा और याद रखना है इक्विटी इन्वेस्टमेंट अलाउ है मतलब एफडीआई में काउंट होती है डिवेंचर एफ में काउंट नहीं होते फॉरन एक्सचेंज लोगों को लगता है कि बस फॉरन करेंसी को बोलते हैं फॉरेक्स जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें खाली करेंसी नहीं है डिबेंचर्स बॉन्ड शेयर्स किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट सब कुछ कवर्ड है फॉरेक्स में डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंसेस फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट ट्रेवलर चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बीओई सब कुछ ठीक है कवर है फॉरेन करेंसी के अलावा एफआईआई क्या होता है विदेश के इंस्टीट्यूट्स विदेशों की ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो होते हैं जो कम कम क्वांटिटी में कई जगह इन्वेस्ट करते हैं आगे एक रूल आएगा दस परसेंट का मैं आपको दिखाऊंगा वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर आप जानते हैं जो रिस्क लेता है हंड्रेड परसेंट विदेशी आदमी भारतीय बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फॉरन सिक्योरिटी किसे कहते हैं ये देखो कोई भी ऐसी विदेशी कंपनी का शेयर डिवेंचर जिसका पेमेंट इंडियन करेंसी में होना हो ये शब्द बहुत ध्यान से समझिए बच्चा गलत कर देता है अमेरिकन कंपनी ने अमेरिका में शेयर बेचे तो वो फॉरेन सिक्योरिटी नहीं है अमेरिकन कंपनी ने भारत में शेयर बेचे उसका रिडेम्पशन अगर होगा डिवेंचर का रिडेम्पशन होगा प्रेफरेंस का रिडेम्पशन होगा इक्विटी का रिपेमेंट होगा तो वो भारतीय रुपया में होगा कंपनी विदेशी इन्वेस्टर भारत का है तब उसे फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे ठीक है अच्छा अगला क्या है इन्वेस्टमेंट ऑन रीपैट्रीएबल बेसिस ज्यादातर विदेशी कंपनी यही करती हैं कोई विदेशी कंपनी भारतीय बिजनेस में पैसा लगाएगी तो उससे जो रिटर्न आएगा वो तो वापस लेके जाना चाहेगी उसको बोलते हैं रीपेट्रीएबल ठीक है या फिर वो कल को इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो उससे जो पैसे आएंगे वो भारत के बाहर लेके जाना चाहेगी हम उसे कहते हैं कि नहीं तू बाहर नहीं ले जा सकती ये गलत है पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं ऐसा पर्सन जो किसी भी देश का नागरिक हो अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान छोड़कर सभी देशों के नागरिक में से कोई भी नागरिक या जो कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट रखता हो उसके पास ना हो तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भारतीय सिटीजन हो कभी पास्ट में या फिर वो इनमें से किसी का पति या पत्नी हो तब उसे हम बोलेंगे पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की जो डेफिनेशन है वो बहुत ध्यान से आपको समझनी चाहिए मैं आपको हाथों हाथ अभी समझा देता हूं बिना लिखे उसकी कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ लेना पहले आप समझिए इंडिविजुअल के केस में जो आदमी अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड मोर देन 182 डेज यानी कि मिनिमम 183 डेज अ पर्सन हुज कम्पलीटेड मिनिमम वन एटी थ्री डेज इन इंडिया इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर शेल बी रेजिडेंट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ इनकम टैक्स की तरह एडिशनल कंडीशन नहीं है सेकेंडरी कंडीशन कुछ नहीं है सिंपल एक रूल है पास्ट ईयर में पास्ट फाइनेंशियल ईयर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम स्टे आपका भारत में कितना होना चाहिए 183, 183, 183, 183, 183, 183. ठीक है और ये रेजिडेंट होना चाहिए स्टे होना चाहिए मतलब वॉलन्टरी रेजिडेंस मान लीजिए कोई फ्लाइट की वर्कर है फ्लाइट स्टूवर्ड एयर होस्टेस उसको बेचारी को जबरदस्ती भारत में रुकना पड़ा क्योंकि उसका प्लेन उधर का नहीं मिल रहा था उसको वो सब नहीं क्वेश्चन भी आ चुका है इस बार का मतलब पहले बहुत पुराना क्वेश्चन है कि ब्रिटिश एयरलाइन का जो ब्रिटिश एयरवेज का ऑफिस है वो भारत में है तो एयर होस्टेस भारत आ गई हवाई जहाज से अब उसे वापस जाना था तो प्लेन में अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा वो बेचारी यहीं रह गई वन तो क्या वो रेजिडेंट हो गई नहीं ठीक है ये सब बातें ध्यान रखना है अब मान लो एक कंडीशन तो पहली तो समझ आ गई अब मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भारत आया लेकिन उसके बन एटी पूरे नहीं हुए भारत आया और यहीं बस गया मान लो तीस मार्च को आ गया दो दिन ही तो हुए उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में लेकिन जब वो हवाई जहाज से उतरा हमने पूछा भाई क्यों आए हो तुम तो श्रीलंका के हो सिंगापुर के हो तुम तो अमेरिका के हो वो कह रहा है अब तो मैं यहीं बस जाऊंगा बस अब तो मैं यहीं रहूंगा तो यदि इनडेफिनिट पीरियड के लिए नौकरी करने के लिए व्यापार करने के लिए इनडेफिनिट पीरियड के लिए कोई विदेशी भारत आ जाए और यहीं रुक जाए इकत्तीस मार्च तक भी वो यही है क्योंकि वो कह रहा है अब तो मैं यहीं रहूंगा तो उसे अपना मान लेना वो भी रेजिडेंट है तो दो रेजिडेंट हो गए एक नेचुरल रेजिडेंट और एक डीम्ड रेजिडेंट दोबारा सुन लीजिए पहला कौन हुआ नेचुरल रेजिडेंट और दूसरा कौन हुआ डीम्ड रेजिडेंट पहला नेचुरल रेजिडेंट कौन वन हुज कम्पलीटेडन एटी थ्री डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज नेचुरली रेजिडेंट क्योंकि उसका शरीर भारत में है तो वो भारत में ही है उसकी आत्मा कहीं घूमे सिंगापुर हम है क्या बट द सिंगापुरी आदमी हु हैज कम टू इंडिया इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड स्टेड हियर ओनली ठीक हमने पूछा तो इसी जा नहीं रहे वो कह रहे आप तो मैं यहीं रहूंगा ठीक तो जब वो यहीं रहेगा तो फिर वो अपना मान लो आप उसको ही इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया करेक्ट दिस इज फॉर इंडिविजुअल नाव लेटेस्ट टॉक अबाउट नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट इसका उल्टा है नेचुरली नॉन रेजिडेंट कौन है वन हुज नॉट कम्पलीटेडी थ्री डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जिसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में वन एटी थ्री पूरा नहीं करा

31 मार्च से पहले उसका प्लेन उड़ने जा रहा है ये आदमी भले ही थ्री सिक्सटी फोर पूरा कर दे लेकिन इससे कहना अब हमने तुम्हें पराया मान लिया ही इज डीम्ड नॉन रेजिडेंट ही इज डीम्ड नॉन रेजिडेंट क्यों इसलिए क्योंकि वो भले ही पूरे दिन कर चुका लेकिन अब वो भारत में रुक नहीं रहा अब वो विदेश चला जा रहा है ठीक है दैट इज फॉर इंडिविजुअल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेटअप और कंट्रोल्ड इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बिल्डिंग भारत में है वो तो रेजिडेंट हो गई बात खत्म कंट्रोल कहीं से होती हो पुणे की ब्रांच है वो दुबई से कंट्रोल होती हो हमें कोई लेना देना नहीं ब्रांच खुली पुणे में है ना तो रेजिडेंट है और मान लीजिए ब्रांच ऑफिस बिल्डिंग विदेश में हो लेकिन वो कंट्रोल भारत से हो रही हो तो भी रेजिडेंट है सेटअप या कंट्रोल दोनों में से कोई एक भी भारत में होगा तो इंडियन रेजिडेंट और दो नो दो नो दो नो विदेश में होंगे तो नॉन रेजिडेंट क्लियर हो गई बात ग्रेट पर्सन रेजिडेंट का मतलब मैं पूरा आपको समझा चुका अब यहां से शुरू होता है फेमा की कुछ मुख्य बातें अब ये मुख्य बातों में मैं वैसे पढ़ा रहा हूं लेकिन हमारे मतलब की ज्यादा बातें अब है नहीं पूरे फेमा में सबसे मुश्किल या कहूं मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाली कोई चीज है ना तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस है जो मैंने अभी तुम्हें समझाया बाकी सब तो रीडिंग एंड लर्निंग वाली विषय हैं बस अब मानो मत मत तुम्हारी प्रॉब्लम है देखो आप रेस्ट्रिक्शन है भाई किस किस चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन है ऑथराइज पर्सन के अलावा कोई आदमी फॉरेक्स में डील नहीं करेगा फॉरेन पेमेंट प्रॉपर चैनल के बिना नहीं करोगे फॉरन से पैसा रिसीव नहीं करोगे बिना प्रॉपर चैनल के पता चला वो लंदन वाली मौसी तुम्हें डॉलर दे गई पाउंड दे गई और तुमने रख लिया अपने पास ये गलत बात है आगे पता चलेगा दो हजार डॉलर से ज्यादा नहीं रख सकते कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती बिना परमिशन के अभी तो आप जिस समय मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आज ही की खबर है आज की या कल की वो एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइन पैसे लगा रही है तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है तो क्या मतलब हम किसी से सरकार से पूछे बिना किसी से पैसे भी नहीं ले सकते अरे किसी से पैसे ले सकते हो विदेशी से पैसे नहीं ले सकते क्योंकि विदेशी फंड लगाएगा तो अपना अधिकार मांग लेगा इसलिए हमें केंद्र सरकार से एनओसी लेनी होती है तो सिंगापुर एयरलाइन ने पैसे लगाने से पहले भारत सरकार से पूछा भारत सरकार बोली लगा दी पैसे तो लग गए पैसे चलो अच्छा रेस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ध्यान देना है आपको वैसे 2000 डॉलर से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आप होल्ड नहीं कर सकते अभी आगे टॉपिक आएगा उसका अलग से लेकिन जो फॉरेन सिटीजन है अब वो नौकरी वोकरी की वजह से भारत में रहता है मान लो तो वो प्रॉपर्टी विदेश में रख सकता है उसमें क्या प्रॉब्लम है आठ जुलाई नाइनटीन से पहले जिसकी प्रॉपर्टी जहां है कोई बात नहीं गिफ्ट या इनहेरिटेंस में आपको कुछ मिला तो कोई बात नहीं और एक ही अकाउंट होता है आर एफ सी रेजिडेंट फॉरन करेंसी अकाउंट इस अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो कोई बात नहीं तो ये चार एक्सेप्शन याद रखना एग्जामिनर तुम्हें घुमाने की बहुत कोशिश करेगा भारी भरकम सवाल बना देगा और तुम्हें तुम्हें वो प्रोवोक करेगा कि तुम गलत लिख दो लेकिन ये चार चीज़ें हमेशा याद रखना अलाउड हैं अलाउड हैं अलाउड हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन तीन प्रकार की होती हैं एक शेड्यूल वन जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है सर कौन कौन सी प्रोहिबिटेड आएंगी कृपया इंतजार करिए जो 6.4 टॉपिक है वो इसी की डिटेल है 6.4 पॉइंट फोर एल आर एस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो शेड्यूल टू है उसमें वो ट्रांजेक्शन है जो आपको आर से पूछकर करनी है और शेड्यूल थ्री है वो ट्रांजेक्शन जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ कर करनी है, है दोबारा कर सुन लीजिए मैंने क्या कहा तीन प्रकार की करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हमारे पास हैं. शेड्यूल वन विच आर प्रोहिबिटेड शेड्यूल टू आरबीआई अप्रूवल शेड्यूल थ्री सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल क्लियर चलो अब हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूं ये तो आप पढ़ लीजिएगा लेकिन मुख्य बातें मैं हाईलाइट करके लाया था ये देखिए रिजर्व बैंक इंपोज नहीं करेगा कोई भी रेस्ट्रिक्शन किस पर पेमेंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन ठीक है लोन का मोटाइजेशन या इन्वेस्टमेंट का डेफ्रिसिएशन हम कर सकते हैं आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है इनहेरिटेंस फुली अलाउड है कोई रोक नहीं लग सकती इस पर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं कुछ तो एक्सपोर्ट का पैसा बिना डिले रिसीव करना है आपको और आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको डिक्लेरेशन करना होता है कि आपने क्या एक्सपोर्ट करा है क्वांटिटी क्या है पर्टिकुलर्स क्या है और उसका पैसा कब आएगा केस स्टडी इंस्टीट्यूट की बुक में दे रखी थी भाई तुम इसको घुमा देना अब है पदेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये देखो 2000 डॉलर से ज्यादा अपने हाथ में नहीं रख सकते फॉरेन कॉइन्स कितने भी रख सकते हैं मतलब अगर तुम्हारे पास विदेशी सेंट्स हैं वो जो भी चलते होंगे विदेश के सिक्के मतलब हमें तो इतना पता है विदेशी सिक्के जेब में खूब खन खन करके घूमो कोई तुमसे लिमिट में नहीं पूछने वाला ठीक है और ये आपको डिक्लेयर करना होता है कस्टम अथॉरिटीज को अगर आप फॉरेन करेंसी भारत में लाते हैं तो अगला क्वेश्चन मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन पता नहीं इंस्टीट्यूट पूछ क्यों नहीं रहा कोई फॉरेन कंपनी भारत में बिजनेस करना चाहती होगी तो उसके पास दो रास्ते हैं पहला जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी खोल ले या फिर एक ब्रांच खोल ले लाइजन ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस प्रोजेक्ट ऑफिस या ब्रांच ऑफिस किसी भी नाम से तो एग्जामिनर कैन आस्क यू अ क्वेश्चन व्हाट आर द वेज इन विच कैन कम एंड सेटअप इट्स बिजनेस इन इंडिया ऑफिस का नाम कैन बी लाइजन ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस प्रोजेक्ट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस ठीक है सिक्स पॉइंट वन खत्म बताओ है, क्या? कुछ नहीं है. मैंने रख रखे रह हैं आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलो अब हम आ गए एफ पर अब हम करेंगे कि एफ के रूल क्या है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिक्स पॉइंट टू लेटस डू एफ डी आई नाउ अब इस एफ डी आई में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एफ डी आई का मतलब दिया हुआ है नीचे मतलब शुरू में तो बस ये है कि एफ डी आई जो हिंदुस्तान में आती है वो एफ डी आई पॉलिसी के हिसाब से आती है एफ डी आई पॉलिसी डी पी आई आई टी बनाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में आ सकती है डी पी आई आई टी एक कंसोलिडेटेड एफ डी आई पॉलिसी भी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाते हैं राइट सो दिस इज नॉट फॉरन ट्रेड पॉलिसी दिस इज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छा एफ डी आई का मतलब थोड़ा सा आपको याद करके जाना चाहिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द मीनिंग ऑफ एफ डी आई एंड एफ पी आई दोनों में डिफरेंस आपको समझ आएगा देखो किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में कितने भी पैसे लगाओगे एक तो वो एफ डी आई है मतलब फॉरेन कंपनी इंडियन अनलिस्टेड कंपनी में पैसा लगाएगी दूसरा लिस्टेड कंपनी में पैसा लगाएगी अनलिस्टेड में तो कोई अमाउंट परसेंटेज नहीं है लेकिन लिस्टेड कंपनी में लिखा है टेन परसेंट और मोर यानी कि अगर लिस्टेड कंपनी में पैसा लग रहा है तो 10 परसेंट या उससे ज्यादा लगना चाहिए अनलिस्टेड में कितना भी लगे कोई बात नहीं एफ क्या है लेस देन 10 परसेंट ठीक है इनको लेस देन 10 परसेंट इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनका एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा अब इन्वेस्टमेंट व्हीकल किसको बोलते हैं ये अलग अलग ना इंडिविजुअली एग्जाम में पूछ सकता है देखो कहना नहीं चाहिए लेकिन जो चैप्टर नंबर 6.2, 6.3 और 6.4 है वो बहुत वेल well डिजाइन नहीं है इंस्टीट्यूट की किताब में एक सिंक्रनी भी नहीं है अचानक से टॉपिक बदल जाता है अचानक से टॉपिक चेंज हो जाता है तो दे आर इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स आप इन सभी को ना इंडिपेंडेंट हेडिंग मानो और इन सभी को इंडिपेंडेंटली पढ़ो कि ये आएगा तो एग्जाम में हम ये लिखेंगे अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होता है तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड फंडिंग लाइन ध्यान से समझेगा ये छोटी छोटी बातें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काम आती है एफडीआई की आप जानते हो एक सेक्टोरल कैप होती है कि डिफेंस में कितने परसेंट एफडीआई अलाउड है रिटेल में कितने परसेंट अलाउड है बैंकों में कितने परसेंट मतलब विदेशी कंपनी मैक्सिमम कितने परसेंट शेयर खरीद सकती है किसी इंडियन इंडस्ट्री के

कि मैक्सिमम जो विदेशी लोग शेयर खरीद सकते हैं भारतीय बैंक में वो सेवेंटी हमारे होल्डर होल्डर जब तक थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी अब हमारे डिबेंचर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर बन गए इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी की अमाउंट बढ़ गया तो देखा हमने कि विदेशियों के पास जो टोटल होल्डिंग है दैट वेंट बियॉन्ड सेवेंटी सिक्स परसेंट दैट नॉट अलाउड मतलब जब इक्विटी काउंट होगी जब एफडीआई की लिमिट चेक होगी तो वो वाली इक्विटी भी चेक होगी जो डिवेंचर से कन्वर्ट होकर आई है कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्ट होने से पहले नहीं ठीक है प्रोहिबिटेड सेक्टर इन जगहों पर एफडीआई अलाउड नहीं है तो आप ये याद कर लीजिए लॉटरी गैम्बलिंग बेटिंग चिट चिटफंड निधि टीडीआर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस सिगार शेरूट सिगारियो सिगरेट्स टोबैको सब्सिट्यूट एक्टिविटीज विच आर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर एटमिक एनर्जी रेलवे ये सब जो लिखा है और हाँ व्यक्ति पाकिस्तान का व्यक्ति या फिर बांग्लादेश या पाकिस्तान की एंटिटी अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है एफडीआई तो पहले उसे सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा दूसरा कोई व्यक्ति पाकिस्तान का सिटीजन या पाकिस्तान की एंटिटी जब सरकार से प्रायर अप्रूवल ले तब भी वो डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं कर सकती स्पेस में नहीं कर सकती एटमिक एनर्जी में नहीं कर सकती और अदर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में नहीं कर सकती कैपिटल इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं कैपिटल इंस्ट्रूमेंट दोस्तों पता तो है आपको फेमा क्या क्या करेगा उसमें नॉर्मल तुम एफ एम चैम्प लोग हो इक्विटी शेयर डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स शेयर वॉरेंट ये सब ये क्या है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट हाँ जी तो कैपिटल इंस्ट पच्चीस परसेंट रूल क्या है ज़रा वो समझिए फॉरेन कंपनी भारतीय कंपनी में पैसा लगा रही है इसको एफ बोल रहे हो तो जितना पैसा उसने लगाने का प्रॉमिस करा है उसका पच्चीस परसेंट उसे तुरंत देना पड़ेगा ये हम विदेशों की ख्वाब नहीं देखेंगे विदेशी आदमी हमें सपना दिखाकर लूट नहीं सकता विदेशी कंपनी जो भारत में पैसा लगाने को तैयार है पच्चीस पहले टेबल पर रखेगी पैसा ये रूल है और बचा हुआ बारह महीने में देगी ठीक है याद रखना कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एफडीआई के दो रूट होते हैं एक होता है ऑटोमेटिक रूट यानी हंड्रेड परसेंट से पूछे आप सौ परसेंट शेयर खरीद सकते हैं किसी विदेशी मतलब विदेशी कंपनी खरीद सकती है भारतीय कंपनी के गवर्नमेंट रूट क्या है जहां पर आपको अप्रूवल लेना होता है ठीक है सरकार का अप्रूवल लेना होता है उसके बाद जाकर एफडीआई हो सकती है तो एक ऑटोमेटिक रूट हो गया एक गवर्नमेंट रूट हो गया सेक्टोरल कैप किसे कहते हैं मैंने भी बताया आपको सेक्टोरल कैप का मतलब होता है लिमिट जो अलग अलग सेक्टर की बताई जाती है मिनिमम कैपिटलाइजेशन ये तो ये है कि अगर जैसे क्या होता है विदेशी कंपनी जब भारत में पैसा लगाती है तो सरकार उसको अप्रूवल देते समय मिनिमम कैपिटलाइजेशन का रूल बताती है कि इतना कम से कम आपको पैसा लगाना ही होगा तो वो कैप पैसा जो है वो फेस वैल्यू पर डिसाइड होता है

भारतीय एनबीएफसी के शेयर कोई विदेशी लेना चाहता है तो उसे एफ डी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है बस वो एनबीएफसी का क्योंकि बिजनेस करना है इसलिए आरबीआई से अप्रूवल जो लाइसेंस लेना होता है वो आपको लेना होगा ये बात समझ आ गई क्लियर हो गई बात ऊपर वाली लाइन आपके इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं परमिटेड इन्वेस्टमेंट बाई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ये जो लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर जो अनेक्जर्स के नाम हैं, वो आप एग्जाम के लिए मत याद करिएगा ये है क्या मैं बता देता हूं नॉन रेजिडेंट आदमी नॉन रेजिडेंट आदमी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कहां कहां अलाउड है सेल परचेस कैपिटल इंस्ट्रूमेंट की अलाउड है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड कंपनी के भी अलाउड है लिस्टेड इंडियन कंपनी के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अलाउड है रिपेट्रिएशन बेसिस पर जिसका डिविडेंड और जिसका कैपिटल गेन विदेश जाएगा परचेज शेयर ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन कंपनी एल एल पी फर्म प्रोपर्टी कंसर्न अलाउड है सिक्योरिटीज अदर अर्दर दैन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एल एल पी फॉरन वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल डिपॉजिटरी आई डी आर सब अलाउड है तो अब इन हर पॉइंट के आगे वो लिखा हुआ था अनेक जर अनेक्जर अनेक जर अनेकजर उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखने की राइट right इशू और बोनस इशू ये देखो मैंने शॉर्ट में क्या वर्ड लिखा ऑल All अलाउड विदेशी कंपनी ने भारतीय कंपनी में पैसा लगाया भारतीय कंपनी के शेयर होल्डर कौन बन गई विदेशी कंपनी अब जब भारतीय कंपनी राइट शेयर इशू करेगी तो बिना परमिशन के कर दे बोनस इशू करेगी तो बिना परमिशन के कर दे आरबीआई से या गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं चाहिए होता राइट इशू और बोनस इशू के लिए इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल नोट बाय इंडियन स्टार्टअप कंपनी पच्चीस लाख रुपए की लिमिट याद कर लीजिए इंडियन स्टार्टअप कंपनी में इंडियन स्टार्टअप कंपनी में विदेशी लोग पच्चीस लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पच्चीस लाख पच्चीस लाख पच्चीस लाख मर्जर और डी मर्जर और अमालमेशन ऑफ इंडियन कंपनी तो वो तो ठीक है उसमें क्या है भाई जो न्यू कंपनी है वो नए शेयर इशू कर सकती है मान लो एफ का अप्रूवल ले लिया एक कंपनी ने एक कंपनी भारत की है उसको पैसा चाहिए था उसने विदेशियों से पैसा लेना था आर से जाके सरकार से जाके एफ की परमिशन ले ली विदेशों से पैसा उठा लिया विदेशी लोग शेयर होल्डर बन गए अब आज ये कंपनी मर्ज होने जा रही है किसी दूसरे के साथ तो ये जिसके साथ मर्ज होने जा रही है उसके पास एफ का अप्रूवल नहीं है तो क्या हो गया वो तो एफ ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगी ना जिस कंपनी में एफ लगी हुई है वो कंपनी डिजोल्व हो रही है दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है जिसके साथ मर्ज हो रही है जो न्यू कंपनी है वो एफडीआई का अप्रूवल लिया नहीं उसने लेने की जरूरत ही नहीं है ये ट्रांसफर हो जाएगा अप्रूवल ये ध्यान रखना है आपको सर इन छोटी सी बातों पर आप याद यकीन रखिए बड़े बड़े क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम में हां जी प्राइसिंग गाइडलाइन ये थोड़ा ध्यान रखना आपको बहुत खुशी होने वाली है आप लोग सीएमए करते हो ना जब तो आप देखते हो हमारा नाम दुनिया में कहाँ नजर आ रहा है कौन कौन से कानूनों में हमारे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है ये देखो तुम्हारे रोल आ गया पहले तुम ये देखो ये हो क्या रहा है जो भी कीमत शेयर की रखी जाएगी भाई हम भारतीय कंपनी है विदेशी कंपनी को शेयर बेच रहे हैं एफ ले रहे हैं हम तो क्या वैल्यू क्या कीमत रखी जाए जो रीजनेबल हो जेन्यून हो ज़्यादा ना हो कम ना हो ये देखो आप सेबी गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए प्राइस आर्म्स लेंथ प्राइस से हिस्से होनी चाहिए सर्टिफाई होनी चाहिए और प्राइस कौन सर्टिफाई करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त या फिर मर्चेंट बैंकर आपका दोस्त या फिर वन एंड ओनली द ग्रेट कॉस्ट अकाउंटेंट बढ़िया लगा चलो हां जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सक्रिप्शन इज अलाउड हाँ फेस वैल्यू पर होता है मतलब अगर ऐसा है कि जैसे नई कंपनी खुल रही है तो नई कंपनी जो खुल रही है वो कह रही है कि मैं बाद में पैसा क्यों लूँ मेरे पास तो अभी भी इन्वेस्टर जिंदा है मेरे पास तो अभी इन्वेस्टमेंट रेडी है तो मैं पहले खुल जाऊँ फिर उसके बाद मैं एफ डी क्या जरूरत है आई हैव द इन्वेस्टर रेडी कोई बात नहीं उन उसमें प्राइसिंग कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं शेयर की जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू पर आप अलॉटमेंट कर दीजिए वो जो विदेशी आदमी है उसका नाम मेमोरेंडम में लिख दीजिए एज अ फर्स्ट शेयर होल्डर कौन होता है भाई सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी सो इफ द कंपनी विच इज गेटिंग न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हैज द इन्वेस्टर्स रेडी देयर नेम कैन बी रिटर्न इन द मेमोरेंडम एंड दे कैन बी मेड फर्स्ट शेयर होल्डर नो प्रॉब्लम ठीक है चलो इन्वेस्टमेंट इन एल अलाउड है बिल्कुल अलाउड है ये सब तुम्हारे लिए लिख रखा है मैंने पढ़ लेना एक बार फेयर प्राइस पर होना चाहिए और वही सर्टिफाइड होना चाहिए सीए से मर्चेंट बैंकर से या कॉस्ट अकाउंटेंट से अच्छा टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कैलकुलेट करनी हो तो कैसे होगी फालतू का टॉपिक है जो इक्विटी वो तो जोड़ी ही जाएगी जो डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं जब तक हो नहीं जाते नहीं जोड़े जाएंगे जब डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तब जोड़ा जाएगा ये रूल है इसमें ठीक है क्लियर एफ और डी नहीं जोड़े जाएंगे क्योंकि वो लोन की नेचर में होते हैं ना आप एफ जोड़ोगे तो इक्विटी जोड़ना है डेट नहीं जोड़ना कंडीशन एग्जिट हा ये थोड़ा मेरे को लगता है कीमती है विदेशी इन्वेस्टर अब जाना चाहता है वापस उसको भारत में हो रही दिक्कत या कहीं और मिलने लगे उसे ज्यादा पैसे ज्यादा रिटर्न बोखेरा अब मैं जा रही हूं वापस विदेशी कंपनी कह रही है आई एम आई एम लीविंग द इंडियन शेयर्स तो अगर विदेशी कंपनी जब भारतीय कंपनी के शेयर बेचना चाहेगी तो पहले उसे किसको बेचना होगा ये देखो इंडियन पार्टनर को यानी कि इंडियन लोगों को जो उस कंपनी में को शेयर होल्डर्स हैं और अगर वो मना करता है तब थर्ड पार्टी को बिकेगा ये जैसे मान लो हीरो होंडा कंपनी थी हीरो भारत की थी होंडा विदेश की थी तो होंडा कंपनी ने कहा कि अब हम अपने शेयर बेच रहे हैं तो हीरो ग्रुप को बिकेंगे पहले वो ठीक है जिसके साथ काम कर रहे हैं आप अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला जो टॉपिक है ये देखो जरा क्या है एक इंडियन कंपनी दूसरी इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर रही है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ये कैसे हो सकता है अरे इसमें क्या दिक्कत है भाई एक बहुत पहले बात ध्यान से समझिएगा एक कंपनी है एक दूसरी कंपनी है दोनों इंडियन है यहां पर जो एक इंडियन कंपनी है वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वो शेयर डिवेंचर वगैरह दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है और दूसरी कंपनी का मालिकाना हक एक विदेशी कंपनी पर एफडीआई उसके अंदर आ रखी है तो अलाउड है बस आपको क्या एग्जाम में लिखना है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और प्राइसिंग गाइडलाइंस पूरी होनी चाहिए अब ध्यान से देखो आप ये नहीं लिखा है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है वैसे वो आगे आएंगी ये नहीं लिखा है कि प्राइसिंग गाइडलाइंस क्या है अगर एग्जामिनर कहे कि एक भारतीय कंपनी दूसरी भारतीय कंपनी को कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रही है लेकिन जो दूसरी भारतीय कंपनी है 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 वो वो असल में भारतीय तो है, लेकिन वो कंट्रोल विदेश से हो रही है क्योंकि उसमें FDI लगी हुई है। कोई बात नहीं है हम मान लेंगे कि जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो डीम्ड विदेशी है लेकिन तब भी रिपोर्टिंग और प्राइसिंग गाइडलाइन फुलफिल करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं ये कहानी है अमित रोहित महेश की आप पढ़ लीजिएगा ये जरूर पेपर में आपके काम आएगी इंस्टीट्यूट की किताब के लिखे हुए क्वेश्चन बिल्कुल बेकार नहीं जाएंगे मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ इंस्टीट्यूट की किताब के लिखे हुए टॉपिक आपको बहुत मतलब क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने चाहिए ठीक है अब 6.3 शुरू करते हैं ईसीबी ईसीबी शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ईसीबी का भी गाइडलाइन का चक्कर वही है जो फेमा में है अगर आप ओरिजिनल ईसीबी गाइडलाइंस देखोगे ना दे आर वेरी वास्ट और यहां पर जो है ना इट्स अ काइंड ऑफ स्नैपशॉट ओनली है ना तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा कि जो सिंपल सिंपल लैंग्वेज है वही यूज करिएगा एग्जाम में डोंट ट्राई टू मेक योर आंसर टेक्निकल डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट डोंट ट्राई टू इमिटेट द लैंग्वेज रिटर्न बाय द ओरिजिनल ईसीबी गाइडलाइंस ठीक है वी आर नॉट आरबीआई एंड वी आर नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट तो चलो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में सबसे पहला अपना टॉपिक है कि ईसीबी होता क्या है सिंपल है कि आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया है लोन लेने वाला कौन है इंडियन रेजिडेंट और लोन देने वाला कौन है नॉन रेजिडेंट सिंपल ठीक है एसीबी रीपेमेंट फॉर रुपी लोन्स अलाउड आप एक बात सोचो भारतीय ऑर्गेनाइजेशन लोन ले रही है ना विदेश से उसको ईसीबी बोल रहे हैं क्यों ले रही है अरे इसलिए ले, ले रही है क्योंकि भारत में उसका लोन अकाउंट एन पी हो गया कोई दे नहीं रहा लोन सपोज हम इंडियन एंटिटी हैं हमने भारतीय बैंकों से लोन ले रखे हैं हमने उसमें डिफॉल्ट कर रखा है तो हमें यहां से तो मिल नहीं रहा लोन प्राइवेट फाइनेंसर से लोन हम लेना नहीं चाह रहे तो हमने ईसी से लोन उठा लिया तो क्या हमारे लिए ये परमिटेड है, है कि हम विदेश से लोन लेकर भारतीय रुपये वाला लोन चुका दें येस वाई नॉट बिल्कुल अलाउड है ठीक है ECB in case इन resolution ऑफ रेजोल्यूशन the अंडर route अप्रूवल रूट मतलब अगर मान लीजिए हम इतने बुरे हालात में हैं कि हमारा लोन का डिफॉल्ट नहीं है हम उसमें चले गए हैं इंसोलवेंसी में हम अंडर इंसोलवेंसी एक्ट चले गए इंसोलवेंसी बैंक्रप्सी कोड दो हज़ार सोलह में फंस गए हम तो अगर हम आई बी सी दो हज़ार सोलह के कैंडिडेट बन गए हैं अगर हमारी कंपनी का इंसोलवेंसी प्रोसीडिंग शुरू हो चुका है तब भी ये परमिटेड है कि आप विदेशों से ईसीबी ले लीजिए बट तब जो ईसीपी आएगी वो अप्रूवल के बाद आएगी यानी कि इन बातों पर क्वेश्चन बनकर आए तो तुम याद रखना ही कि ये अलाउड है देखो केस स्टडी का पता नहीं होता भाई कि किस चीज पर आ जाए अच्छा ये जो ई का एक टेबल इंस्टीट्यूट की किताब में दिया था मुझे लगा कि आपके लिए ये टेबल मुझे इंक्लूड कर लेनी चाहिए अपने नोट्स में तो वाला कॉलम फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी मतलब जो हम लोन लेंगे उसका जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो फॉरेन करेंसी में बनेगा और यहाँ पर जो हम लोन लेंगे उसका जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो इंडियन करेंसी में बनेगा तो दोनों में कुछ डिफरेंस दे रखे हैं कि ये इसके कुछ फीचर्स और उसके कुछ फीचर्स इसमें लेंडर बोरो कौन है उसमें लेंडर बोरोर कौन है तो वो एक बार पढ़ लीएगा बस बाकी ज़्यादा आपको इस पर कवर करने की ज़रूरत नहीं अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा उसकी जरूरत नहीं तो आप समझ लीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ज लिमिट एंड लीवरेज का मतलब है कि कितना ईसीबी अलाउड है एलिजिबल बोरोवर कैन रेज ईसीबी अप टू सेवन फिफ्टी डॉलर मिलियन डॉलर मतलब सात सौ पचास मिलियन यूएस डॉलर तक आप ले सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर पर एंटिटी ठीक है ऑटोमेटिक रूट से उसके ऊपर आपको चाहिए तो आप अप्रूवल रूट में जा सकते हैं एक रेशो आपको बहुत ध्यान रखना है कि लाइबिलिटी इक्विटी रेशो सेवन इंस टू वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यानी कि आपकी सौ मिलियन डॉलर की अगर इक्विटी है शेयर कैपिटल है तो सौ का सात गुना सेवन हंड्रेड मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का ईसीबी आप नहीं उठा सकते यानी कि पूंजी के सात गुने से ज्यादा कर्जा नहीं आपके ऊपर हो सकता ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे पार्किंग ऑफ ई सी प्रोसीड सपोज करिए कि आपके पास पैसा आ गया ठीक है और उस पैसे का भी यूटिलाइजेशन होना नहीं है तो तब तक आप उसे कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं आप उसे लिक्विड एसेट्स में लगा सकते हैं लिक्विड एसेट्स में ठीक है ये ऑथराइज डीलर के पास आप ऑथराइज डीलर जो कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आप कर सकते हैं मैक्सिमम बारह महीनों के लिए ठीक है प्रोसीजर ऑफ रेजिंग इसी भी वही दो रूट है अप्रूवल और ऑटोमेटिक आप जानते हैं अप्रूवल रूट लिमिट के ऊपर होता है 750 यूएस डॉलर मिलियन डॉलर से ऊपर का अगर आपको इसी भी चाहिए ठीक है तो आपको अप्रूवल चाहिए वरना अप्रूवल नहीं चाहिए अच्छा ये अनट्रेसेबल एंटिटी होना चाहिए हेडिंग इसका इंस्टीट्यूट की किताब में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स नाम से है इंस्टीट्यूट की किताब में ये वाली हेडिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नाम से है लेकिन अंदर आप जाओगे तो अनट्रेसेबल एंटिटी हेडिंग ज्यादा सूटेबल है तो अगर एग्जाम में इससे आए तो भी आप ये लिख सकते हो लेकिन रिपोर्टिंग के बारे में आगे एक हेडिंग अलग से भी है अनट्रेसेबल एंटिटी किसे बोलेंगे सरकार जिस तक पहुंचना चाह रही है और पहुंच पा नहीं रही सरकार ने डॉक्यूमेंट भेजे आपने जवाब मतलब कम्युनिकेशन भेजी आपने जवाब नहीं दिया सरकारी अधिकारी आया आप मिले नहीं ये सब परिस्थितियां जो हैं देखिए अनट्रेसेबल एंटिटी नॉट रीचेबल नॉट रिस्पॉन्सिबल नो रिप्लाई या रिप्लाई नेगेटिव ईमेल लेटर फोन ठीक है लगातार दो क्वार्टर हो गए आपका रिप्लाई नहीं आ रहा या फिर रजिस्टर्ड एड्रेस पर आप फाउंड नहीं हुए ऑपरेटिव नहीं थे नकली एड्रेस था आपका या फिर आपने ऑडिट सर्टिफिकेट या आपने एनुअल रिटर्न जमा नहीं करे दो साल तक या फिर आप अगर ऐसा हो गया एक मिनट रुकिएगा, ये हटा दूँ अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा कोई नई एप्लीकेशन आपकी एग्जामिन नहीं होगी एप्सैप नहीं होगी डी जो है वो अनट्रेसेबल एंटिटी का टैग आपको दे देगी और ई को सूचना मिल जाएगी इस बात की तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी आप इनवर्ड रेमिटेंस भी नहीं ले पाएंगे कोई पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे विदेश से अगर आप अनट्रेसेबल एंटिटी हो गए <coughs> दोबारा सुन लीजिए ये बहुत सिंपल uh, टॉपिक है लेकिन बहुत क्रिटिकल विषय है ये यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन अनट्रेसेबल का टैग लग गया उस पर तो अनट्रेसेबल का टैग लगने के बाद फिक्स है कि उसको अब कोई विदेश से पैसा मिलने वाला नहीं है अगला है रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ईसीबी समझ रहे हैं आप क्या है एक ईसीबी का पेमेंट करना है हमने विदेशों से बोरोइंग ले ली उसका पैसा हो नहीं पा रहा तो दूसरा विदेश से लोन ले लेते हैं पहले वाले को पे करने के लिए दैट्स अलाउड बट आपको ध्यान रखना है कि जो नया वाला लोन लें उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग लोअर होनी चाहिए पिछला वाला लोन चुकाने के लिए आप एक और लोन ले रहे हैं वो अलाउड है नए वाले लोन की फाइनेंस कॉस्ट पुराने वाले लोन से कम होनी चाहिए इतना ध्यान रखना ताकि कुछ तो बेनिफिट हो ठीक है रखेंगे कि भारतीय बैंक भी ई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ई को रिफाइनेंस करने में मदद कर सकते हैं लेकिन ये काम वो केवल बड़े कॉरपोरेट जिनकी रेटिंग ट्रिपल ए है और महारत्ना नवरत्ना जो सरकारी कंपनियां हैं केवल उन्हीं के लिए काम करेंगे ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सरकारी अप्रूवल जो है वो होना चाहिए और उसके बाद एफ पॉलिसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए प्राइसिंग गाइडलाइन फुलफिल होनी चाहिए ये कंडीशंस आप पूरी कर दें अगर तो जो ईसीबी है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई बुराई नहीं सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ईसी समझ गए क्या चीज मतलब मतलब जो चीजें आप गिरवी रखेंगे वो क्या होंगी वो कुछ भी हो सकती है मूवेबल एसेट इमूवेबल एसेट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज पर्सनल गारंटी एनीथिंग कैन बी पुट एज कोलेट्रल सिक्योरिटी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं उनके लिए स्पेशल जो कंडीशन है वो बनाई जा सकती हैं स्टार्टअप के लिए स्पेशल रूल बनाए जा सकते हैं यहाँ पर ये लिखा है कि जैसे कोई स्टार्टअप कंपनी है तो आप उससे गिरवी मत रखवाओ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि वही इंडियन ऑयल गेल वगैरह जो ये इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम वगैरह जैसी कंपनियाँ है, जो हैं उनके लिए हम आ, माफ कर सकते हैं कि भाई आप आ, मत दो आ, कोई गिरवी फिर भी हम आपको एक्सटर्नल कॉमर्शल बोरोइंग दिलवा देंगे तो ये स्पेशल डिस्पेंसेशन वाली लाइन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एम में काम आ जाएगी आपके कि किसके लिए स्पेशल रूल अलाउड है तेल वाली सरकारी कंपनियों के लिए और ये स्टार्टअप कंपनियों के लिए ये अलाउड है कि उनको हम बिना सिक्योरिटी के कर्जा देते हैं बोरोइंग बाई एंटिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन मा में अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है तो क्या हो गया कोई बात नहीं आरोपी तो है अपराधी थोड़ी है वो भी इसी भी ले सकता है कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड क्रेडिट फ्रेमवर्क ये थोड़ा सा आप पहले मतलब समझो ट्रेड क्रेडिट होता क्या है ट्रेड क्रेडिट होता है विदेशों से हमें मिल गया उधार वो भी एक प्रकार का लोन ही तो है वी परचेज सम आइटम फ्रॉम फॉरिन कंट्री सो वी बिकेम इम्पोर्टर We are supposed to make the payment within a particular time frame. That is a credit period and that is trade credit. In any case, whether you take money as a loan or you take goods on credit, you become the uh, person liable to pay. You become the editor, correct? And that person becomes the creditor. So, trade credit refers to the credit extended by the overseas supplier, bank, financial institution, another permitted recognized lender for maturity. Okay? अब इसका भी देखो वही है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड और इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड दो प्रकार के हो सकते हैं और उसका ये जो टेबल है वो बस आप देख लीजिएगा ट्रेड क्रेडिट इन एसी जेड एफ टी डब्ल्यू जेड डी टी ए दैट्स अलाउड ये सब जगह जो तीन पॉइंट है ना इसके अंदर बस इतना लिखा है ट्रेड क्रेडिट इन ए जेड इज अलाउड ट्रेड क्रेडिट इन फ्री ट्रेड ये क्या कहते हैं हाँ डब्लू क्या था एस जेड तो जोन है फिर डी टी ए डोमेस्टिक टेरिफेरिया इज अलाउड ठीक है सिक्योरिटी फॉर ट्रेड क्रेडिट अब हाँ जैसे ई के लिए कुछ गिरवी रखना होता है वैसे ही ट्रेड क्रेडिट के लिए हो सकता है आपको गिरवी रखना पड़े ट्रेड क्रेडिट के लिए भी तो गिरवी रखना पड़ सकता है क्या रख सकते हैं कुछ भी मूवेबल एसेट इम इमूवेबल एसेट कॉरपोरेट पर्सनल गारंटी बस जो एसी जेड की जमीन है वो आप गिरवी नहीं रख सकते कंडीशंस ये है कि आपको अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा एनओ चाहिए आपको पुराने लो लेंडर से को टर्मिनस मतलब कंडीशन शुड मैच विद द लोन अग्रीमेंट जो पेमेंट है ट्रेड क्रेडिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और प्रोविजन के हिसाब से होना चाहिए ये जो वर्ड हाईलाइटेड है वॉट इज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट मैं एक बात पहले आपको बताऊं आप थोड़ा आइडिया समझ पा रहे हो ना कि हम विदेश से उधार ले रहे हैं दैट इज ई हम विदेश से माल उधार ले रहे हैं दैट इज ट्रेड क्रेडिट तो लगभग लगभग आपको एक जैसी चीजें मिलेंगी अब यहां रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गई दोबारा से ये दोबारा से नहीं आई है पहले जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी वो एसीबी की थी अब जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो ट्रेड क्रेडिट की है तो एक तो देखो मंथली रिपोर्टिंग है राइट मंथली रिपोर्टिंग किसको करनी है हमें डायरेक्टर डिवीजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च एक एक क्वार्टली रिपोर्ट राइट क्वार्टली रिपोर्ट किसको देनी है एक्सबीआर प्लेटफॉर्म में देनी है और किस बैंक गारंटी की डिटेल देनी है क्वार्टरली बेसिस पर ऑथराइज्ड डीलर का रोल क्या है कि वो फेमा का प्रोविजंस फॉलो करें जब वो किसी को रेमिटेंस इशू करें जब वो किसी को फॉरेन एक्सचेंज इशू करें नॉन रेजिडेंट गारंटी फॉर डोमेस्टिक फंड बेस्ड एंड नॉन बेस्ड फैसिलिटी ये बहुत क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग टॉपिक है मैं हिंदी में आपको एक प्यारी सी लाइन बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा हम भारतीय आदमी हैं हमने भारतीय बैंक से लोन लिया या हम भारतीय आदमी हैं हमने भारतीय आदमी से लोन लिया ठीक है इंडियन पर्सन टेकिंग लोन फ्रॉम इंडियन पर्सन इसमें फेमा नहीं लगेगा ठीक है अब जो जिससे हम लोन ले रहे हैं वो कह रहा है कि मुझे किसी की गारंटी दिलवाओ हमने कहा गारंटी विदेशी की दिलवा दू तो हमने कहा वॉरेन बफे है ना विदेश में उनकी गारंटी दिलवा देता हूं हमने गारंटी दिलवा दी इसमें भी फेमा नहीं लगेगा ठीक है पक्का क्लियर लेकिन जब गारंटी इनवोक होगी यानी कि जब मैं डिफॉल्ट करूंगा और उस गारंटर से पैसे मांगे जाएंगे तब फेमा लगेगा क्योंकि रेमिटांस होनी है ठीक है यह ध्यान रखना है आपको नो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फेमा अंटिल द गारंटी इज इनवोक्ड ठीक है फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट एनहांसमेंट अलाउड आपने किसी भी ले लिया चार करोड़ का अब आपको और उसको है, आप लीजिए अलाउड 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 क्या है इसमें खत्म हो गया अब हमारा है 6.4 ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एल इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके लिए ऐसी स्कीम्स निकाली हैं जिसमें आपको बार बार फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करने के लिए अप्रूवल ना लेना पड़े ऐसा कैसे हो सकता है आइए देखते हैं सिक्स पॉइंट फोर में एल में सबसे पहले आप एल में जो एल है वो समझिए लिबरलाइज लिबरलाइज मतलब सरकार ने आपके लिए रूल इजी कर दिए बिफोर वी यूज टू गो टू आरबीआई फॉर एवरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नाउ इट नॉट दिन दे हैव गि यू लिमिट ऑफ यूएस डॉलर टू लाख फिफ्टी थाउजेंड ढाई लाख डॉलर तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है आप खूब कुछ काम करो प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए बाकी कोई दिक्कत नहीं है देखो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो स्कीम जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या बात करती है ये कहता है कि इंडिविजुअल जितने भी हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स राइट उनको हम एक लिमिट देंगे दो लाख पचास हजार डॉलर की पर फाइनेंशियल ईयर पर पर्सन आगे आप पढ़ोगे फैमिली के साथ क्लब भी हो सकती है तो इसमें लिमिट में वो क्या करेंगे मान लो आपको विदेश घूमने जाना है पढ़ने जाना है टूर पे जाना है किसी भी काम के लिए जाना है आपको आरबीआई से पूछने की बार बार जरूरत नहीं है यूएस डॉलर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक का एक्सचेंज आपको मिल जाएगा जब वो लिमिट क्रॉस होगी देन आपको एक्सचेंज नहीं मिलेगा आपको डॉलर नहीं मिलेगा मतलब विदेशी करेंसी नहीं मिलेगी बिना आरबीआई से पूछे ठीक है ये स्कीम केवल इंडिविजुअल्स के लिए है कॉरपोरेट के लिए नहीं पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं एच के लिए नहीं ट्रस्ट के लिए नहीं किसी के लिए नहीं सिर्फ इंडिविजुअल के लिए लेकिन आप यूएस डॉलर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड छोड़िए आप दो डॉलर भी खर्च नहीं कर सकते इन चीजों के लिए आपको इन चीजों के लिए मतलब नाम आपको याद कर लेने चाहिए मैं जो नाम बता रहा हूं लॉटरी स्वीप स्टेक प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन्स बैंड मैगजीन्स मार्जिन और मार्जिन कॉल टू ओवरसीज एक्सचेंज एफ सी सी बी इशूड बाई इंडियन कंपनीज इन सेकेंडरी मार्केट रेमिटेंस फॉर ट्रेडिंग इन फॉरन एक्सचेंज अब्रॉड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ के साथ हैं राइट right? ये टेररिज्म के सस्पिशियन वाली या रिस्क वाली जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑर्गन इंडिविजुअल के अलावा फैसिलिट ये इंडिविजुअल के अलावा की जो ट्रांजेक्शन हैं उनकी लिमिट अभी अलग से आपको मिलेगी ठीक है हाँ जी आप दो लाख पचास हजार डॉलर किस चीज के लिए वो कुछ भी करिए आप मैंने तो अभी आपको लिस्ट पढ़ के सुनाया था कुछ भी करिए पढ़ाई करिए घूमने जाइए मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए कुछ भी करिए बस नेपाल भूटान का ट्रेवल के लिए फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगा बाकी सब कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं ठीक है. है क्लबिंग केस ऑफ फैमिली मेंबर्स हाँ हो जाएगी क्लबिंग कोई दिक्कत नहीं है क्लबिंग अलाउड है

हस्बैंड का फॉरेन ट्रैवल कम था उसका एक लाख डॉलर खर्च हुआ तो बचा हुआ जो डेढ़ लाख डॉलर है वो वाइफ के में यूज हो सकता है तो करंट अकाउंट में तो ये अलाउड है कैपिटल अकाउंट में ये अलाउड नहीं है कि रिलेटिव uh, का या फैमिली मेंबर का आप लिमिट यूज कर सको जो कंट्री नॉन कोऑपरेटिव है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जिनको नॉन कोऑपरेटिव कर रखा है उनके लिए फॉरन एक्सचेंज आपको नहीं मिलेगा हाँ जी फॉर्मैलिटीज़ या रिक्वायरमेंट्स जो रेमिटर ने फुलफ़िल करनी है रेमिटर कौन जो पैसे भेजेगा भाई अगर आपको पैसे भेजने आप भारत में हैं आपने पैसे भेजने हैं आपने डॉलर में पेमेंट करनी है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है पहला आपका एक ऑथराइज डीलर के अकाउंट होना चाहिए वो कम से कम एक साल का होना चाहिए आपको पूरी ड्यू डिलीजेंस करनी है ऑथराइज डीलर ने पूरी ड्यू डिलीजेंस करनी है उसको सेटिस्फाई करना है कि ये पैसे कहाँ से आए राइट और किसी भी फॉरेन करेंसी में आप कर सकते हो मतलब कहने का ये है कि आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है आपके पास फॉरेन करेंसी है आप उसको रेमिट करना चाहते हो तो जो रेमिट करने के लिए बैंक यूज होगा वो ये चेक भी तो करेगा कि आपके पास फंड्स कहाँ से आए अप्रूवल फॉर बैंक सोलिसिटिंग डिपॉजिट अगर कोई भी बैंक चाहे उसका भारत में प्रेजेंस है चाहे भारत में उसका प्रेजेंस नहीं है वो इंडियन लोगों से डिपॉजिट्स ले रहा है इंडियन लोगों से डिपॉजिट ले रहा है फॉर देयर फॉरेन ऑपरेशंस ऑपरेशन तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा रेटिंग ऑफ डेट्स नो रेटिंग नीडेड कोई रेटिंग नहीं है मतलब दो लाख पचास हजार की लिमिट फ्लैट है कोई रेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है बस ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए जो मनी एक्सचेंज करने वाला ऑथराइज्ड पर्सन होता है ऑथराइज्ड डीलर होता है उसको बस ये देखना है कि पैसे वैलिड जगह से वैलिड जगह जा रहे हैं कहीं उसको मनी लॉन्ड्रिंग में तो यूज नहीं करा जा रहा टेरर फंडिंग में तो यूज नहीं करा जा रहा ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है हाँ सोल प्रोपराइटर जो है उसके लिए क्या रूल है कोई रूल नहीं है इंडिविजुअल सोल प्रोपराइटर का अगर उसका बिजनेस है तो दोनों के लिए अलग अलग लिमिट नहीं होगी देर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन ठीक है एक ही माना जाएगा यह मेरे को लगता है आपको याद कर लेना चाहिए इंडिविजुअल के अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको क्या क्या अलाउड है उनको दो लाख पचास हजार का लिमिट नहीं है उसको अलग अलग है अगर उनको डोनेशन करना है तो क्या लिमिट है उनको कमीशन देना है जमीन बेचने का तो क्या लिमिट है उनको किसी प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी चार्जेस देना है तो क्या लिमिट है या फिर उन्हें प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस देने हैं तो क्या लिमिट है ये चार अलग अलग ट्रांजेक्शन अकाउंट ट्रांजेक्शन लेकिन वो परमिटेड है तो वो दो लाख पचास हजार डॉलर तक की लिमिट अलाउड है अब ये जो लिमिट्स दी हुई हैं चार में तो देखो स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है कि प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कंसल्टेंसी चार्जेस कमीशन ऑन सेल ऑफ रिमुवेबल प्रॉपर्टी और डोनेशन इन चार की तो अलग अलग लिमिट है बाकी जो जनरल कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है सबकी लिमिट क्या है वही दो लाख पचास हजार ठीक है अब इंडिविजुअल तो बाल कटवाने जा सकता है विदेश में उसको पैसे चाहिए वो घूमने जा सकता है उसको पैसे चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को तो दूसरे प्रकार के खर्चे होंगे ना अच्छा रूपी लोन रूपी लोन मैंने सर पहले भी आपको बताया था इट इज परमिटेड दैट यू आर एन इंडियन रेजिडेंट इंडियन यू वॉन्ट टू टेक लोन फ्रॉम विदेशी आदमी एंड यू आर टेकिंग दैट लोन इन इंडियन रुपीज इट इज़ अलाउड नो प्रॉब्लम बस आपको जो पैसा वहाँ से प्राप्त होना चाहिए वो क्रॉस्ड चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के रूप में प्राप्त होना चाहिए दो लाख पचास हज़ार की लिमिट आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए जो मैक्सिमम मेचोरिटी है वो वो मिनिमम मेचोरिटी कम से कम एक साल की होनी चाहिए ब्याज वो आपसे ना ले क्योंकि अगर वो ब्याज आपसे लेगा फिर वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो जाएगी भाई ऐसा हो सकता है ना यू हैव सम रिलेटिव अब्रोड एंड दे टू गिव यू सम लोन तो दैट लोन विल बी फॉर मिनिमम वन ईयर इससे क्या होगा कि मान लो कभी हम दिखाने के लिए लोन ले लें कि तुम भेज दो हम तुम्हें दो दिन बाद वापस कर देंगे वो नहीं चलेगा और उसके बाद रुपी गिफ्ट जो क्लोज रिलेटिव है वो अलाउड है बस गिफ्ट की जो लिमिट है वो दो लाख पचास हजार डॉलर के अंदर ही होनी चाहिए गिफ्ट्स आर आल्सो अलाउड बट दैट शॉल फॉन्ड विद इन द लिमिट ऑफ यूएस डॉलर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है जी क्लियर हो गई बात ये जो मैं बस एक चीज बता रहा था आपको ध्यान रखिएगा ये जो हमारा कैटेगरी नंबर टू और थ्री है ना फेवा में हाँ कैटेगरी नंबर टू और थ्री अगर आपको प्रायोरिटी के हिसाब से मैं बताऊँ आपको घर पर रिवाइज करने के हिसाब से तो जो सबसे पहला वाला है 6.1 पॉइंट वन इज टॉप प्रायोरिटी सिक्स पॉइंट फोर इज़ सेकेंड प्रायोरिटी सिक्स पॉइंट टू इज़ थर्ड प्रायोरिटी सिक्स पॉइंट थ्री इज़ फोर्थ प्रायोरिटी इस प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़िएगा FEMA is done. After this, we'll be doing banking and Sarfasi and role of RBI. So, right? Hi. Let us start Banking Regulation Act 1949. वैसे आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर तीन हिस्से हैं. पहला हमारा 7.1, 7.2, 7.3. 7.1 is Banking Regulation, 7.2 is Role of RBI, and 7.3 is ya Sarfasi या Sarfasi. तो इन तीनों को एक एक करके कवर करते हैं ये हमारा चैप्टर सेवन का फास्ट ट्रैक आप शुरू करते हैं आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है देखिए दोस्तों पहले इस चैप्टर का मैं आपको पास्ट ट्रेंड बता देता हूं जून सत्रह छ नंबर ये कई बार नहीं भी आया है चैप्टर फिर उसके बाद दिसंबर सत्रह पांच नंबर जून अट्ठारह जीरो दिसंबर अठारह चार जून उन्नीस जीरो की है। जो तीसरा पार्ट है क्योंकि वो एक अलग एक्ट है तो उसकी टेबल हमने सरफासी वाले पेज पे लिखी हुई है वहां पर हम देख पाएंगे उसको बहुत सिंपल चैप्टर है बैंकिंग रेगुलेशन के चैप्टर से कई बार आई है लेकिन क्योंकि अब नए सिलेबस में आप लोगों के यहाँ ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आए क्योंकि ज़्यादातर के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अब कंपनीों से आ रहे हैं लेकिन ट्रेंड का कुछ पता नहीं दोस्तों आप देखते हैं वो कभी भी जीरो हो जाता है जिक जैग चलता रहता है इसके अंदर तो बहुत आसान है इस चैप्टर को आप आराम से देख सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने चीज़ें लिखी हैं बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा पावर ऑफ पार्लियामेंट एंट्री नंबर फोर्टी के मुताबिक पार्लियामेंट में ये पावर है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है बैंकिंग लॉ बनाने की माननीय संसद बैंक का कानून बना सकती है कोई भी राज्य कोई भी विधानसभा बैंक के ऊपर कानून नहीं बना सकती बैंकिंग रेगुलेशन जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा एक सेंट्रल लॉ है राइट इस एक्ट के अंदर मेजर बात क्या है कैसे हम सुपरवाइज करेंगे कैसे हम रेगुलेट करेंगे इंडिया में बैंकों को इस कानून के अंतर्गत दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडेड है उसे अच्छे से याद कर लीजिए प्राइमरी बैंक इन दोनों के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता इनके अपने अपने जो कानून है वो इनके ऊपर अप्लाई होते हैं उसके बाद ओवरव्यू ऑफ पावर्स गिवन बाय एक्ट टू आरबीआई टॉपिक एक ऐसा है जो आपको थोड़ा सा एक तो कॉमन सेंस से समझना चाहिए दूसरा इसके बाद एक टॉपिक जो आएगा रोल ऑफ आरबीआई 7.2 वहां पर भी सेम चीज है भाई आर को जो शक्तियां मिली उसका मेजर स्वरूप क्या है बैंकों को लाइसेंस देना उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न उनके वोटिंग राइट अपॉइंटमेंट्स उनके ऑपरेशंस, उनके ऑडिट मोरिटोरियम मर्जर लिक्विडेशन हर चीज के बारे में आरबीआई को पावर है कोई आपसे पूछे कि क्या आरबीआई ये कर सकता, कर सकता है वो कर सकता है वो कर सकता है सब कुछ कर सकता है एक आज जगह कोई आपको नो मिलेगा कि नो आरबीआई कैन नॉट डू दिस बाकी सब जगह ही दिखेगा आपको ठीक है जी चलिए तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया कॉन्सेप्ट टू लगभग बाईस तेईस कॉन्सेप्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अगला है वो बिजनेस जो बैंकिंग कंपनियां कर सकती हैं देखिए वैसे तो बैंकिंग कंपनियां केवल बैंकिंग बिजनेस करें या कोई ऐसा बिजनेस करें जो बैंक के साथ आसानी से किया जा सकता हो जैसे म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस में ये बैंक आजकल डील करने लगे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ये अपनी सब्सिडरीज uh, खोल लेते हैं बैंकिंग का मुख्य काम जो लैंडिंग और डिपॉजिट्स है वो ही इनका मेन काम है लेकिन अदर बिजनेस जो इनको परमिटेड हैं जो ये कर सकते हैं उसकी लिस्ट मैंने यहां पर रेड कलर से लिखी हुई है जैसे एजेंट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन ये कैन ऑपरेट मैनेज गारंटी अंडर राइट इशू राइट अंडर राइटर का काम कर सकते हैं गारंटर का, का काम कर सकते हैं अगर कोई बोरोवर को लॉस हो रहा है उसका डिफॉल्ट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए मैनेज कर सकते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी को एक्वायर कर सकते हैं ट्रस्ट ऑपरेट कर सकते हैं एस्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं राइट right? अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं उनके लिए एसोसिएशन बना सकते हैं उनको डोनेट कर सकते हैं बट ओनली फॉर ओन यूज प्रॉपर्टी जो अपनी खुद की है और केंद्र सरकार और आरबीआई अगर, अगर अप्रूव करे तो अन्य काम भी कर सकते हैं अब है कॉन्सेप्ट नंबर टू थ्री के जो बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे क्योंकि बैंक कंपनी है तो बैंक में डायरेक्टर्स होंगे लेकिन बैंक के डायरेक्टर्स की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक यहां पर बताई गई है बैंक के डायरेक्टर्स की एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन बताई गई है कि जो बैंक के डायरेक्टर्स होंगे वो कुछ ऐसे होने चाहिए देखिए बैंक के डायरेक्टर्स में मेजोरिटी डायरेक्टर्स फिफ्टी वन परसेंट डायरेक्टर्स के पास या तो स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए या स्पेशलाइज एक्सपीरियंस किन क्षेत्रों का अकाउंट्स एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी बैंकिंग कोऑपरेशन फाइनेंस लॉ एसएसआई या कोई अन्य फील्ड जो आरबीआई बताए इन क्षेत्रों के अनुभवी लोग इन क्षेत्रों के नॉलेजेबल लोग ही बैंकों में डायरेक्टर्स की पोस्ट पर जाएंगे मेजोरिटी माइनॉरिटी कैन बी फ्रॉम अदर एरिया ठीक है चलो अब देखते हैं मिनिमम दो डायरेक्टर्स कहां से होने चाहिए छोटे क्षेत्रों से यानी कि इकोनॉमिक लेवल पर अगर देखें तो एग्रीकल्चर से एमएसएमई से और ये कोऑपरेटिव से जैसे जो मेजोरिटी डायरेक्टर्स हैं उसमें से मतलब टोटल डायरेक्टर्स में से पहले आपने मेजोरिटी निकाल ली फिफ्टी वन वाली फिफ्टी वन की लिस्ट आपने देखी कि वो यहां से होने चाहिए वो जो वहां से हैं उसमें से भी दो लोग मेजॉरिटी के भी दो लोग मान लो बारह डायरेक्टर्स हैं बारह की मेजोरिटी हुई सेवन सेवन में से दो डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल कोऑपरेटिव से होने चाहिए ताकि वो उस इलाके का दर्द समझ सके अगर कोऑपरेटिव से डायरेक्टर नहीं होगा एग्रीकल्चर से डायरेक्टर नहीं होगा तो फिर बैंक का तो कभी ध्यान उस तरफ जाएगा ही नहीं सिर्फ रीजनल रूरल बैंकों की जिम्मेदारी नहीं है कृषि जो हमारे देश के बड़े कॉमर्शियल बैंक है उनकी भी जिम्मेदारी है कृषि के बारे में देखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का टेन्योर आठ साल होता है अदर देन चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर का टेन्योर आठ साल नहीं होता ठीक है कनेक्शन विद इंडस्ट्री जो लोग आर बैंकों में डायरेक्टर बनेंगे जो लोग हमारे बैंकों में डायरेक्टर बन रहे हैं उन लोगों का व्यापार जगत से कोई संबंध नहीं होना चाहिए अलाउड नहीं है लेकिन हाँ अगर एमएसएमई है या स्मॉल इंडस्ट्रियल कंसर्न है या फर्म है या कंपनी है तो उसके साथ अलाउड है यानी कि कोई एमएसएमई सेक्टर से उठकर बैंक में डायरेक्टर बन रहा है तो अलाउड कर देंगे और वैसे अलाउड नहीं करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा अवॉइड करना है कभी भी किसी भी डायरेक्टर का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए हुआ तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए पता चला आपने रिलेटेड पार्टी को लोन देने में तुमने बहुत दिखाई तो फिर कल को आरोप लगे क्या फायदा रिकॉन्स्टिट्यूशन आरबीआई कभी भी तुम्हारी बैंक के डायरेक्टर्स को हटा सकता है और नए लोगों को लगा सकता है वन डायरेक्टर वन बैंक का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है एक ही व्यक्ति दो तो अलग अलग बैंकों का डायरेक्टर सेम टाइम पे नहीं रह सकता अगर आप एक बैंक में डायरेक्टर तो बस भाई साहब वही रहेंगे आप दूसरे में नहीं आएंगे ठीक है 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 रिमूवल आरबीआई कर कर सकता है और आप केंद्र सरकार में जाकर अपील कर सकते हैं उसके ऊपर यह क्वेश्चन लिखा है, आपको खुद पढ़ना है वैकेंसी वैसे तो बैंक खुद भरता है मान लो जैसे डायरेक्टर की सीट खाली हो जाए तो यह बैंक की खुद की जिम्मेदारी है कि वो किसी कैंडिडेट को लेकर आए लेकिन अप्रूवल हमें आरबीआई से लेना है। बाय सीजी के आगे लिख दीजिए थ्रू आरबीआई क्लियर हो गई जी बात चलिए। अब बैंकिंग कंपनी टू बी मैनेज्ड बाय होल टाइम चेयरमैन अब हेडिंग देखकर तो ऐसा लगेगा कि आपको बैंक का चेयरमैन हमेशा होल टाइम होता होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा फिक्स नहीं है अभी आप आराम से देखिए आपको पार्ट टाइम चेयरमैन भी मिलेगा हेडिंग देखकर कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग के अंदर चेयरमैन डायरेक्टर होना चाहिए यह रूल है बैंक का चेयरमैन बैंक का डायरेक्टर होना चाहिए पार्ट टाइम भी हो सकता है होल टाइम भी हो सकता है वो पूरा मैनेजमेंट तभी संभालेगा जब वो होल फुल टाइम हो वरना एम संभालेगा फुल टाइम मैनेजमेंट ये सारी पावर्स जो चेयरमैन साहब है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठकर एक्सरसाइज करेंगे यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल और डायरेक्शन में सुनने में अजीब लगेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नीचे कैसे होगा चेयरमैन ऊपर कैसे होगा चेयरमैन नीचे नीचे कैसे होगा चेयरमैन नहीं हुआ चेयरमैन अपने हिसाब से नहीं चलेगा चेयरमैन एक इंडिविजुअल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुपरिंटेंडेंस में कंट्रोल में डायरेक्शन में चेयरमैन साहब काम करेंगे एमडी और चेयरमैन दोनों को अपॉइंटमेंट के लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए और पांच साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है आपने देखा

अब रूल कहता है कि चेयरमैन को डायरेक्टर होना मैंडेटरी है तो आरबीआई वाला आदमी डायरेक्टर नहीं भी है तब भी वो चेयरमैन बन सकता है हम डीम्ड टू भी डायरेक्टर मान लेंगे देखो आप आरबीआई वैकेंसी फिल करने के लिए ऐसा कर सकता है या फिर उसको लगे कि भाई वैकेंसी लंबे समय तक रहेगी तो बोर्ड की एफिशेंसी कमजोर हो जाएगी होल टाइम पार्ट टाइम दोनों हो सकते हैं एम होना चाहिए अगर चेयरमैन पार्ट टाइम है पाँच साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा और ये देखो डीम्ड टू बी डायरेक्टर ये बड़ा पॉइंट है अगर आर ने अपॉइंटमेंट करा है तो फिर अगर वो व्यक्ति डायरेक्टर नहीं भी है तब भी हम उसे डायरेक्टर ही मानेंगे चलिए कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व देखिए अमाउंट में सौ करोड़ रुपए चाहिए कि हजार करोड़ रुपए चाहिए ये अपने कोर्स में नहीं है कैपिटल के नियम कुछ और हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अगर आप बैंक हैं तो आपको एक कैपिटल का रेशो मेंटेन करना है कैपिटल का रेशो क्या है कि आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपके ऑथोराइज का आधा या उससे अधिक होनी चाहिए मतलब अगर आपकी कैपिटल हजार करोड़ है तो सब्सक्राइब कैपिटल पांच करोड़ से कम नहीं हो सकती और आगे सुनिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल अगर पांच करोड़ है तो उसका आधा यानी कि 250 करोड़ से कम आपकी ये इशूड कैपिटल पेड अप कैपिटल नहीं हो सकती मतलब पहले ऑथोराइज कैपिटल के आधे से अधिक होनी चाहिए आधा या उससे अधिक होनी चाहिए सब्सक्राइब्ड सब्सक्राइब के आधे या उससे अधिक होनी चाहिए पेड अप ये रेशो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्लियर रहेगा याद रहेगा अगर ये रेशो डिस्टर्ब हुआ तो मल्टीपल चॉइस के लिए याद रखिए दो साल के अंदर आपको रेशो वापस बैलेंस करना है शेयर्स आपके इक्विटी प्रेफरेंस दोनों हो सकते हैं कैपिटल कैपिटलिटी रेशो आपने मेंटेन करना होता है एनपीए के लिए आपको प्रोविजन बनानी मैंडेटरी है ठीक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं बिलो मैं क्वेश्चन दो हजार सोलह दिसंबर बाईस अटैम्प्ट आप लोगों का सिलेबस दो हजार बाईस मुझे पता है, मैं एक बता है तो ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन आया था दिस इज शोन हेयर ओनली फॉर नॉलेज परपज इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नए स्टडी मैट में नहीं है फिर भी मैंने यहां रख दिया ताकि क्योंकि यह बड़ा क्वेश्चन है आपको स्कैनर में या फास्ट ईयर पेपर में दिख जाएगा आप कहेंगे ये तो कराया नहीं इसलिए मैं ले आया कि आपको पता रहे कि हमने जान के नहीं करा रहे विद आंसर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है अगला कॉन्सेप्ट है भाई Why sufficient capital is important, अरे आप दुनिया के लोगों का पैसा लेके बैठे हो जनता की गाड़ी कमाई लिए बैठे हो बेचारे लोगों की मेहनत की रोजी रोटी के पैसे लिए बैठे हो आपको कैपिटल एडीकेसी की इंपॉर्टेंस नहीं पता आप फाइनल में हैं दोस्तों कैपिटल एडीकेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा बेसल कमेटी गाइडलाइन दोस्तों आपको लर्न कर लेनी चाहिए एग्जाम में मुझे लगता ही आएंगी पेपर में भारतीय कॉमर्शल बैंकों को मैक्सिमम वोटिंग राइट दस परसेंट अलाउड है होंगे आपके पास पंद्रह परसेंट शेयर लेकिन जब आप वोट डालोगे तो उसकी वैल्यू दस परसेंट मानी जाती है ये दस परसेंट धीरे धीरे बीस परसेंट तक बढ़ाया जा सकता है मिनिमम टोटल कैपिटल नाइन परसेंट ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट आपको रेशो मेंटेन करना है कैपिटल क्वालिटी और कैपिटल का बफर आपके पास रखना चाहिए थ्री पिलर कैपिटल एटीकेसी के मेंटेन करने चाहिए टीयर वन टियर टू में मिनिमम इक्विटी मेंटेन करनी चाहिए अभी होती क्या है वो ध्यान नहीं देना है आपको प्लीज थ्री पिलर ऑफ कैपिटल एटीकेसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट डिसिप्लिन सुपरवाइजरी रिव्यू मिनिमम कैपिटल असल में बेसल नॉर्म्स इसलिए बनाए गए कि बैंक स्टेबल रहे बैंक सिक्योर रहे बैंक सेफ रहे बैंक सेफ नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा तो बेसल नॉर्म्स तुम लोगों के लेवल के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है लेकिन तुम्हें कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर बेसल नॉर्म पे क्वेश्चन आता है तो वाकई में तुम्हें बस इतना लिखना है चार बुलेट ये तीन बुलेट दो बुलेट ये छह हो गए लेकिन इन छह बुलेट में दोस्तों एक ये वर्ड यूज हो रहा है बीच में कैपिटल एडी के के पिलर यानी कि अगर तुम देखना चाहते हो कि कोई बैंक स्टेबल है स्ट्रॉन्ग है सॉलिड बैंक है तो कैसे पहचानोगे वहां पर तीन चीजें होनी चाहिए मार्केट डिसिप्लिन वो फैसले करेक्ट ले सुपरवाइजरी रिव्यू रेगुलेशन अच्छी रखे और मिनिमम कैपिटल जो लॉ में लिखी है वो अपने पास हमेशा बना के रखे ठीक है ये आपको अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान देना चाहिए मेरे नजरों में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक एग्जाम में नहीं आया वो दुख की बात है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिमिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स देखो भाई ऐसा है अगर बैंक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहता है तो एक बहुत बड़ी कंडीशन है दो चीजें राइट ऑफ नहीं भी होंगी तो चलेगा दोबारा याद करिए बैंक डिविडेंड नहीं बांट सकता अगर कोई पेंडिंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस पेंडिंग है पीएनएल में डेबिट होने के लिए पहले डेबिट करना है लेकिन हो सकता है। अब अगर आपने कंडीशन पूरी नहीं करी फिर भी आपको डिविडेंट बांटना है तो देखिए प्री कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो आप आरबीआई अप्रूवल ले सकते हैं प्री कंडीशन को अवॉइड करने का एक बेहतर रास्ता है रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है देखिए कानून कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि केवल भारतीय बैंकों को यह ट्रांसफर करना पड़ेगा क्या है ये पीएनएल अकाउंट से कुछ पैसा आपने रिजर्व में ट्रांसफर करना है एक्ट के मुताबिक सेक्शन सत्रह के मुताबिक ये केवल भारतीय बैंकों को करना है लेकिन आरबीआई सर्कुलर कहता है कि नहीं ये सबको करना है और in मैंने स्पष्टीकरण हाँ पर दे दिया दूसरी Act कहता है दूसरी कहता कि बीस ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट का लेकिन आरबीआई सर्कुलर कहता है पच्चीस करना है बताओ सर हम क्या लिखकर आएंगे अरे दोनों लिखकर आएंगे उसमें क्या दिक्कत है सब्जेक्टिव पेपर है ना आपका ऑब्जेक्टिव हुआ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक देखिए जो स्टडी मैट ने किया है वो ही आप करिए हर साल आपको ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट में से अब इसके ऊपर जो ये ट्रांसफर आप करते हैं नेट प्रॉफिट से रिजर्व फंड में ले जाते हैं पैसा ये लेते जाना है हर साल हर साल हर साल हर साल कब तक तब तक जब तक ये पूर पूरा नहीं हो जाता क्या जिस दिन आपका रिजर्व फंड प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का टोटल आपके पेड अप शेयर कैपिटल के इक्वल या ज्यादा हो जाए तब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर आप ट्रांसफर रोक सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा रिजर्व फंड प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का टोटल शुड बी इक्वल टू और मोर देन अप शेयर कैपिटल देन यू गो टू सीजी टेक अप्रूवल एंड देन यू कैन स्टॉप ट्रांसफरिंग अमाउंट दिसंबर 18 में चार नंबर का क्वेश्चन है अब देख रहे हैं आप क्वेश्चन इतना बड़ा है जिस रूल के ऊपर यह क्वेश्चन है वो रूल देखिए भाई साहब दो लाइनों का दुनिया कह रही है लॉ तो भारी है फाइनल का फाइनल का लॉ भारी नहीं तुम तुम्हारी टेंशन तुम, 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 तुम भारी ले लेते हो यह गड़बड़ है अब अप्रोप्रिएशन ऑफ रिजर्व मतलब यूज ऑफ रिजर्व राइट अप्रोप्रिएशन मीन यूज यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज ऑफ रिजर्व जब भी आपको रिजर्व फंड यूज करना होगा या सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना होगा आप आरबीआई को सूचना देंगे अप्रूवल नहीं इंटीमेशन 21 दिनों के अंदर ठीक है आरबीआई उसे चाहे तो बढ़ा सकता है अब आई जी सी आर आर कैश रिजर्व रेशो यहां भी गड़बड़ है कि कैश रिजर्व रेशो कितनी और कैसे मेंटेन करनी है देखें ध्यान से आप नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स और शेड्यूल्ड बैंक्स ये दोनों के लिए अलग अलग है सर क्या होती है शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक हम फास्ट ट्रैक में हैं उतना ही पढ़ना है जितना लिखा है ठीक है कलकत्ता के पेपर में नंबर लाइए नॉलेज तो सदा सदा तक मिलती रहेगी हम लोगों को अगर आप नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं तो आपको सीआरआर रखनी है थ्री परसेंट अवॉर्ड टोटल लाइबिलिटीज अगर आप शेड्यूल्ड बैंक हैं तो फोर पॉइंट फाइव परसेंट रखनी है यह रिजर्व कहा इन्वेस्ट होगी ऑप्शन वन अपने पास रख लो ऑप्शन टू रबीआई के पास रखवा दो करंट अकाउंट में या एस के पास रखवा दो ऑप्शन थ्री दोनों का कॉम्बिनेशन रिजर्व रेशो नॉन शेड्यूल्ड का अलग है शेड्यूल्ड का अलग है ठीक है प्लीज ध्यान देंगे हेडिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन नेचर ऑफ कंपनीज जितने भी बैंक हैं वो अपनी सब्सिडरीज नहीं क्रिएट कर सकते नो no. दूसरी कंपनियों में शेयर नहीं कर खरीद सकते कर सकते हैं दो शर्तों पर. पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना है और जहां इन्वेस्ट कर रही है बैंक वाले लोग जहां जिन कंपनियों को अपनी सब्सिडरी बना रहे हैं वो रिलेटेड बिजनेस होना चाहिए इंसिडेंटल मतलब रिलेटेड बिजनेस जैसे आप बैंक हो तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है भाई रिलेटेड थोड़ा बहुत क्लियर हो गई बात ये देखिए अगला टॉपिक रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांस ये जून चौदह में आया है दिसंबर सोलह में जून सत्रह में और जून चौबीस में हालत देखें आप बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले लोन्स एंड एडवांसेस के टॉपिक से माननीय सीएमए इंस्टीट्यूट की मोहब्बत देखें आप माननीय सीएमए इंस्टीट्यूट को इतना प्यार आ गया इस चैप्टर से इस टॉपिक से देखिए जून चौदाह चार नंबर दिसंबर सोलह पांच नंबर जून सत्रह छह नंबर और जून चौबीस पांच नंबर सेम टॉपिक अलग अलग वैल्यू में तो क्या पॉइंट ऊपर नीचे होंगे नहीं बस आपको ध्यान रखना है कि सेम टॉपिक है सब में सेम चीज पूछी गई अच्छा इसमें लिखना क्या है सबसे पहली बात तो ये चीज है प्रोहिविटेड है डायरेक्टर को लोन मत देना ऐसी एंटिटी को मत देना जिसमें हमारा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है ऐसी एंटिटी को लोन नहीं देना जिसका गारंटी डायरेक्टर ले रहा हो लोन किसी ऐसी को नहीं देना इंसान को जो बैंक के शेयर गिरवी रख रहा हो मतलब हम हम गए सपोज करिए पंजाब नेशनल बैंक के पास लोन लेने और हम पंजाब नेशनल बैंक के शेयर ही पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखवा रहे मतलब बैंक अपने ही शेयर गिरवी रख के लोन देने को राजी नहीं है बैंक अपने ही शेयर गिरवी रख के लोन देने को राजी नहीं है सर ऐसा क्यों है हमें कुछ नहीं पढ़ना इन चक्कर में मैं लिखा है नहीं अलाउड मत खत्म नहीं अलाउड

एक बार चार नंबर में एक बार पांच नंबर में एक बार छह नंबर में एग्जाम में आ चुका है तो क्या सर इतना सही लिखेंगे माय लॉर्ड यही तो समझा रहा हूं कब से आपको सच बता रहा हूं मान लो मेरी बात नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे बारह नंबर लाइसेंस बैंकिंग कंपनियों का कौन इशू करता है पूछने की बात कोई है आरबीआई कैसे इशू करता है टैप बेसिस पे टैप बेसिस मतलब वेन एवर अप्लाइड एक तरीका ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान लो पूरे साल में चार पांच दिनों के लिए ओपन करे एप्लीकेशन जैसे मान लो कॉलेज के फॉर्म निकले इस तारीख को फॉर्म ओपन होंगे इस तारीख को क्लोज होंगे जिसने भी फॉर्म भरना है भर दे ऐसे नहीं होता मान लो आरबीआई कहता कि एक, एक जनवरी से लेकर पंद्रह फरवरी तक पैंतालीस दिनों के लिए फॉर्म्स ओपन है किसी को बैंक खोलना भाई बता देना ऐसे नहीं होता टैप बेसिस का मतलब आप आए एप्लीकेशन जमा करी अप्रूवल ले गए या रिजेक्शन ले गए मतलब जब जिसको आना है तब आ जाए अप्रूवल लेने आरबीआई की मर्जी अप्रूवल दे या ना दे बहुत लंबे समय से आरबीआई अप्रूवल नहीं दे रहा है वैसे क्या कंडीशन आपने पूरी करनी पड़ेंगी हाँ जी आरबीआई के लिए जो संतुष्टि आपको दिखानी पड़ेगी आरबीआई को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या शर्तें आपको करनी पड़ेंगी पहला कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अपने डिपॉजिटर का पैसा पे कर पाएंगे इतना पैसा है आप पे दूसरा आपको यह वादा करना होगा कि आप डिपॉजिटर के बेस्ट इंटरेस्ट में बिजनेस करेंगे आपको यह वादा करना होगा कि कस्टमर आपका इंडियन हो या फॉरेन आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे आपको यह वादा करना होगा कि आप एक्ट और आरबीआई की बातें मानेंगे आपको यह वादा करना होगा कि आपके नाम में बैंक शब्द होगा और या तो आप कंपनी ओपन करेंगे या कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनरशिप के रूप में बैंक नहीं खुल सकता इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप में बैंक नहीं खुल सकता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बैंक नहीं खुल सकता एल में बैंक नहीं खुल सकता बैंक खुलेगा या तो कंपनी में या फिर को ऑपरेटिव सोसाइटी में लाइसेंस आर कैंसिल कर सकता है क्यों भाई आर को तुमसे दुश्मनी है क्यों कैंसिल हो रहा है तुम्हारा लाइसेंस अरे तुमने बैंक का बिजनेस ही बंद कर दिया बैंक वाला काम ही नहीं कर रहे तुम तो? या फिर ऊपर दी गई कंडीशंस तुम फॉलो नहीं कर रहे तो बैंक क्या करे बेचारा वो आरबीआई क्या करे बेचारा तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देगा सर मान लो हमारा लाइसेंस कैंसिल हो गया तो हम क्या करें माननीय केंद्र सरकार के पास जाइए देखिए अपील टू सीजी, जी थर्टी डेज लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कह दिया बस वो फाइनल है आप अदालत में कचहरी में नहीं जा सकते और इसमें कोई लीगल राइट वाली बात नहीं है दोस्तों एक बात सोचो आप भाई आपका आर ने लाइसेंस कैंसिल करा सरकार से आपने कहा मेरे को लाइसेंस कैंसिल कर दिया सरकार करीब भाई हमारी मर्जी बैंक खुलेगा नहीं खुलेगा तुम कौन होते हो जबरदस्ती हक जताने वाले बैंक एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है शुगर का प्लांट लगाओ तो तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए एन चाहिए वहां से है ना ऐसा थोड़ी है कि साहब वो कपड़े की दुकान की तरह कुछ भी खोल लोगे आप हर गली में दो बैंक खुल जाएंगे फिर तो कुछ तो आप सोचो खैर कंट्रोल ऑन दी ओपनिंग ऑफ न्यू बिजनेस ऐसा है सर ये हेडिंग का मैं क्या करूँ जो कलकत्ता ने हेडिंग लिखी है या जो एक्ट में हेडिंग लिखी है जो लॉ में लिखी है मैं वही तो लिखूंगा लेकिन सच्चाई ये है कि इस यहाँ पर नए बिजनेस की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है नई ब्रांच की न्यू बिजनेस मतलब न्यू ब्रांच भारत में खोले आपकी अगली ब्रांच मतलब आपका बैंक ओपेंड है ऑलरेडी आप पहले से स्थापित हो आपका बैंक खुल चुका है बैंक अब नई ब्रांच खोलना चाहता है चाहे भारत में चाहे विदेश में तो आपको आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा लेकिन आरबीआई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है कब अगर आप सेम शहर में दूसरी ब्रांच खोलें या फिर आप टेम्परेरी ब्रांच खोल रहे हैं किसी एक महीने के लिए जैसे मेले में एग्जीबिशन में कॉन्फ्रेंस में ऐसे शहर में जहां पर पहले से आपकी ब्रांच है वेर नॉर्मल ब्रांच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ये ध्यान रखना सर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सपोज करिए कि रायपुर शहर में आपकी ब्रांच नहीं है रायपुर में मेला लग रहा है वहां पर एक महीने के लिए आपको ब्रांच खोलनी है वो नहीं अलाउड है रायपुर में आपकी नॉर्मल ब्रांच होनी चाहिए और तब आपको रायपुर में मेले वाली एक महीने वाली एडिशनल ब्रांच खोलनी है तब अलाउड है ऐसे शहर में जहां पर आपकी नॉर्मल ब्रांच नहीं है वहां पर मेले वाली ब्रांच नहीं खुल सकती ठीक है सर मेले में हम ब्रांच क्यों खोलेंगे तुम रेन दो यार क्यों खोलेंगे खुलेगी तो एक महीने तक की खुलेगी बिना आरबीआई से पूछे ये रूल है अब आ गए हम एस पे एस एल आर जो है ये स्टेचुटरी लिक्विडिटी रिजर्व या रेशो जो भी है इसका भी परसेंटेज अलग अलग है एक्ट कहता है पच्चीस परसेंट आरबीआई कह रहा है नहीं अठारह परसेंट किसका लाइबिलिटीज का कहा इन्वेस्ट करना है कैश गोल्ड अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स ठीक है ये वाली लाइन काट दो ये तो एक्स्ट्रा आ गई है मार्केट प्राइस पर वैल्यूएशन होगा लिक्विड एसेट्स का कॉन्सेप्ट पंद्रह मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स इन इंडिया का मतलब है सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द लाइबिलिटीज के बराबर भारत में एसेट्स होनी चाहिए बैंक की मतलब रूल एसेट के मुताबिक और परसेंटेज लाइबिलिटी से निकल रहा है भाई बैलेंस शीट है ना लाइबिलिटी एसेट लाइबिलिटी का टोटल करिए उसका पचहत्तर निकालिए जो भी रकम आएगी उतने रुपए की एसेट भारत में स्थापित तो होनी चाहिए तभी तो तुम्हें पकड़ के लेके जाएगी सरकार अगर कुछ कांड करोगे तो तुम विदेशी बैंक हुए तुम्हारी विदेश में संपत्ति हुई तो हम क्या करेंगे देखो 75% टाइम लाइबिलिटी के बराबर की एसेट शुड बी द लास्ट फ्राइडे एवरी क्वार्टर सबमिशन ऑफ रिटर्न्स ऑफ अनिपोजिट का मतलब जानते हो तुम लाला जी ने बैंक खाते में पैसे जमा करे दस लाख रुपए ठीक है और धीरे धीरे करते गए करते गए करते गए दो करोड़ रुपए जमा हो गए ठीक बैंक खाते का जानकारी किसी को है नहीं बेचारे खुद ही अपनी सेविंग जमा कर रहे हैं ठीक है और अब क्या हो गए बाढ़ में बह गए लाला जी अब उनके बैंक के खाते के पैसे का क्या हुआ वो तो अनक्लेम्ड हो गया ऐसे हज़ारों केस हैं लाखों केस हैं हमारे देश में और कोई बड़ी बात नहीं करोड़ों केस भी हों हमारे देश में ऐसे बैंक खाते बहुत हैं जिसमें लोगों के पैसे जमाएं और खाते डॉरमेंट हुए जा रहे हैं ना कोई एक क्लेम करने आ रहा ना कोई पैसे निकालने आ रहा ना कोई पैसे जमा करने आ रहा तो डिपॉजिट्स डन हुए लेकिन कोई आदमी वापस ही नहीं आया अगर ऐसा दस साल के लिए हो रहा है तो रिपोर्टिंग होगी किसको नॉर्मल बैंक तो रिपोर्टिंग करेंगे आर को और रीजनल रूरल बैंक रिपोर्टिंग करेंगे नाबार्ड को आर नाबार्ड को रिपोर्ट करेंगे और बाकी आर को कब हर कैलेंडर ईयर के तीस दिन के अंदर मतलब तीस जनवरी तक ठीक है ये दस साल कैसे कैलकुलेट होंगे अगर कोई एफ है तो जिस दिन वहां से दस साल, और सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट है, तो जिस दिन लास्ट ट्रांजैक्शन हुई वहां से दस साल अब सबमिशन ऑफ एटसेट्रा फॉर्म्राई मतलब एसेट लाइबिलिटी का जो टोटल है हर महीने के लास्ट फ्राइडे को हम आरबीआई को बताएंगे ठीक है और उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन होगी तो आरबीआई मांग, मांगी लेगी फर्दर इंफॉर्मेशन हा एक हाफ ईयरली रिटर्न है जो बैंकों को देना होता है लेकिन जब आरबीआई मांगे तब इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट की डिटेल होगी और लोन का क्लासिफिकेशन होगा जैसे हमने जो लोन दिया उसमें से कितने स्टैंडर्ड हैं सब स्टैंडर्ड हैं और बैड है वो तुमने पढ़ा होगा ना कभी अकाउंट्स में ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट एंड पी एंड एल अकाउंट ये तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है और अच्छा कॉन्सेप्ट है आप जानते हैं हर बैंक को अकाउंट्स बनाने हैं थर्ड शेड्यूल के हिसाब से शेड्यूल थ्री के हिसाब से वो ये कंपनीज एक्ट का शेड्यूल थ्री नहीं है बैंकिंग एक्ट का भी अपना शेड्यूल थ्री है इस पर साइन कौन करेगा प्रिंसिपल ऑफिसर या मैनेजर प्लस तीन डायरेक्टर्स ठीक है आरबीआई को इसकी तीन कॉपी जमा होंगी तीन महीने के अंदर तीन और महीने मिल सकते हैं आरबीआई आपको एक्सटेंशन दे सकता है सेम चीज आर के पास भी जमा होगी अब आप ये देखिए एक चीज क्या बैंकों का इंस्पेक्शन करने का अधिकार आरबीआई के पास है हाँ है क्या बैंकों का इंस्पेक्शन आरबीआई कर सकता है यस कर सकता है दिसंबर 2017 में इस एक लाइन के ऊपर पांच नंबर का क्वेश्चन है देखिए आप यह आंखें खोलने वाली चीजें जो आप लोग नहीं देखते यह है वो चीजें जो आपको देखनी चाहिए ऑडिट एक्ट के मुताबिक गिविंग डायरेक्शन टू बैंकिंग कंपनी क्या आरबीआई डायरेक्शन दे सकता है बैंकों को यस yes. किस को एक को के सबको वन और मोर क्यों पब्लिक इंटरेस्ट में बैंकिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई डेट्रिमेंटल मैनर कोई गलत काम हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर करने के लिए और यह सब बैंकों की ड्यूटी होगी कि उस डायरेक्शन को अच्छे तरीके से फॉलो करा जाए ये कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ने वाले ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और बहुत प्यारे तरीके से मैंने सजाया आर की power, पावर पांच पावर आरबीआई की दी हुई है जो बेड एसेट्स है उनके बारे में एमडी के अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल मैनेजीरल पर्सन का रिमूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड करना सरकार के द्वारा बैंक एक्वायर करना बिजनेस को सस्पेंड करना मोरेटोरियम आप जानते होंगे छह महीने का कम हो सकता है लीगल एक्शन किसी बैंक के खिलाफ रोक दिए जा सकते हैं वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनी बहुत ध्यान से सुनना एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं अगर किसी बैंक को वाइंड अप होना है तो एप्लीकेशन आरबीआई को नहीं जाएगी आरबीआई की तरफ से जाएगी दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा किसी बैंक का वाइंडिंग अप करने के लिए एप्लीकेशन टू आरबीआई नहीं जाती है एप्लीकेशन फ्रॉम आरबीआई जाती है ठीक है और आरबीआई उस पर अपना सर्टिफिकेट देता है कि आपको आरबीआई को क्या लगता है कि बैंक अपने ड्यूज पे कर पाएगा या नहीं तो आरबीआई कब बाइंडिंग अप के लिए जाता है जब कैपिटल की कंडीशन पूरी ना हो पाए बैंकिंग बिजनेस ना हो रहा हो आरबीआई ने उस पर रोक लगा दी हो आरबीआई के इंस्ट्रक्शन फॉलो ना कर रहा हो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट फेल हो गया हो डेट पे नहीं कर पा रहा या डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में ऐसा लगता है उनके अगेंस्ट काम कर रहा हूं बैंक वॉलंटरी भी वाइंडिंग अप कर सकता है आरबीआई को एप्लीकेशन जाएगी तो दोनों में फर्क समझे आप यहां पर कंपलसरी वाइंडिंग अप की बात थी यहां पर वाइंडिंग अप की बात थी तो ये जो रीजन है ये आपको याद करके जाने हैं कि वाइंडिंग अप आरबीआई क्यों करवाएगा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्वायर अ बैंक यस मिसेस गांधी के टाइम पर वो भारत सरकार ने 20 सर बैंक खरीद डाले मतलब 20 बैंक सरकार ने एक्वायर करे इंदिरा गांधी के टाइम पर 20 सरकारी 20 बैंक प्राइवेट सेक्टर के और उनको सरकारी बना दिया फिर वो दो मर्ज हो गए तो उन्नीस बचे अब तो खैर धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं कॉम्पेसेशन दिया बैंक खरीद डाला। बैंकिंग कंपनियों का मलगमेशन याद रखना है उस मलगमेशन करने के लिए टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए थ्री फोर्थ नहीं नॉर्मल कंपनियों में मर्जर होता है थ्री फोर्थ से बैंकों का मर्जर हो रहा है टू थर्ड से यह ध्यान रखना है आपको अगला जो खुश नहीं है मर्जर से वो अपने पैसे ले ले और निकल ले आरबीआई <laughs> का अप्रूवल शेयर होल्डर से पूछने के बाद लिया जाएगा पहले अपने शेयर होल्डर से पूछना है फिर जाना ठीक है स्कीम ऑफ अमल एसेट लाइब्रेरी ट्रांसफर होगी बैंक डिसॉल्व होगा और बिजनेस सस्पेंड हो जाएगा बीच में बीच का मतलब अमलगमेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक आपके बैंक का बिजनेस को होल्ड किया जा सकता है रिकन्स्ट्रक्शन और हाँ ये लाइन भी ध्यान से समझें आप आरबीआई के पास ये शक्ति है वो चाहे तो बैंक का मलगमेशन या बैंक का वाइंडिंग अप होते समय जब तक प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू रख सकते हैं बिजनेस को और चाहे तो मोरेटोरियम लगाकर बिजनेस को रोक सकते हैं भाई ऐसा होता है ना कि बैंक का रिजोल्यूशन करना है बैंक को बंद करना है बैंक वाले पहले ही दुखी हैं पता चला कस्टमर सर्विस चालू रहेगी तो और दिक्कत रहेगी तो आर चाहे तो बंद होते बैंक में कस्टमर सर्विस चालू रखे मोरेटोरियम ना लगाए बैंक के ऊपर केस होते हो जाए बैंक के ऊपर कोई चैलेंज करता हो क्लेम करता हो करने दें मतलब बैंक की यूजुअल बिजनेस आरबीआई चाहे तो कंटिन्यू करेगा आरबीआई चाहे तो रोक देगा एट द टाइम ऑफ पेंडिंग अमलगमेशन एंड एट द टाइम ऑफ पेंडिंग वाइंडिंग राइट सो दिस इज डन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन इज डन नेक्स्ट वुड बी रोल ऑफ आर इससे पहले के हम रोल ऑफ आरबीआई ओपन करें मैं आपको एक बात बता दू रोल ऑफ आर में लिस्ट ऑफ एरियाज़ हैं आपको यह याद रखना है कि आरबीआई किन किन क्षेत्रों के लिए काम कर सकता है या किन किन रिगार्ड्स में किस किस चीज के ऊपर काम कर सकता है देखिए उसमें वो क्या काम करता है वो कोई खास नहीं है यहां पर देखिए सबसे पहला बात ओवरव्यू किसी जमाने में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन हुआ होगा तब वो एक रेगुलेटर के रूप में काम करता था और ये एमसीक्यू में आपको काम आ सकता है कि आरबीआई ने अपनी अप्रोच शिफ्ट करी है। और आज वो एक फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहा है फैसिलिटेटर एज एन वो बैंकों के मदद के लिए काम कर रहा है ना कि बैंकों को गवर्न करने के लिए राइट नाउ वी रोल्स क्या क्या वो कर सकता है देखिए इधर वाला मैं चाहूंगा कि आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा मैं ये आपको दिखा रहा हूं कि वो बैंकों का इंस्पेक्शन कर सकता है वो बैंकों को रेगुलेट करता है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए उसने ये कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म बनाया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल बनाई है वो अप्रूवल देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स के लिए और वो चेयरमैन एमडी के लिए ब्रांचों को लाइसेंस देता है कि आप ब्रांच ओपन कर लीजिए बैंकिंग पॉलिसी बनाता है इस बात के लिए कि भाई लोन किसको दिए जाएं नई ब्रांचेस कैसे खोली जाएं बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए बैंकिंग इंडस्ट्री को आ, कहना चाहिए कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कैसे करा जाए बैंकों के इंटरेस्ट को भी कैसे ध्यान में रखा जाए बैंक जहां पर पैसा लगाकर इन्वेस्ट करते हैं वो कैसे रखा जाए रिस्क फ्री कैसे बनाया जाए एनपीए को कैसे अवॉइड करा जाए दिस इज कॉल्ड बैंकिंग पॉलिसी अब सोचिए मैंने आपको आठ नौ पॉइंट्स दिए अगर एग्जामिनर बैंकिंग पॉलिसी के बारे में पूछता है तो आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे इशू डायरेक्शन ये सारे डायरेक्शन बैंकों को आरबीआई इशू कर सकता है इंफॉर्मेशन हाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अपने पास स्टोर रखता है डिस्ट्रीब्यूट करता है समय समय पर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है इंडियन बैंक्स की जो फॉरेन में ब्रांचेस हैं उनको मॉनिटर करता है उनको ओवरसी करता है जो प्रीशियस मेटल में डील करने वाले बैंक्स हैं उनको मैनेज करता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट समझते हैं आप विदेशों की ब्रांचेस यहाँ और भारतीय ब्रांचेस वहां पर भारतीय बैंकों की एक्सपोर्ट क्रेडिट देखता है रेगुलेशन को इंटरप्रेट करने का काम अच्छा है कि बैंकिंग एक्ट में कहीं कोई ऐसी प्रोविजन है जिसको व्याख्या की जरूरत है तो आर उसको इंटरप्रेट करता है एक्सम्शन देता है बैंकों को बहुत चीजों की फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है फेमाम के माध्यम से बैंकों का बैंक है केंद्र सरकार का बैंक है राज्य सरकार का बैंक है और देश का जो पेमेंट सिस्टम है भाई एक बैंक का क्लियरिंग चेक दूसरे बैंक में जाता है एक बैंक का पेमेंट दूसरे बैंक के माध्यम से जो इतनी आसानी से होता रहता है वो पूरा सेटलमेंट मैकेनिज्म भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही संभालता है सो दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ बैंकिंग चैप्टर बैंक के चैप्टर में एक और एक्ट है सरफासी वो भी चैप्टर सेवन ही है अब हम वो करेंगे देखना मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये सेवन पॉइंट थ्री सरफासी

जब लोन उन्होंने दिया होगा तो वो उनका रिसीवेबल है उनका पेबल नहीं अब सोचिए जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिसीवेबल लिखा है अचानक से एक दिन ऐसा हो जाए कि वो जो रिसीवेबल है वो बेड डेट बन जाए वो सन्डरी डेटर की तरह वो गायब हो जाए वो बेड डेट की तरह वो उड़ जाए और उन्हें पता लगे कि ये तो मिलने नहीं वाला तो सोचिए बैंक का क्या हाल होगा उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट टेक्निकल डेफिनेशन यहां पर आएगी देख लेंगे कि भाई उनको अब पैसे नहीं मिलने वाले अब जब उनको पैसे नहीं मिलने वाले सोचिए तो वो कितने परेशान होंगे इसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसी एसेट जो रिटर्न नहीं दे रही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो फंस गया अब सोचिए आसमान से उतरता एक देवता आए कोई देवदूत आए कोई एंजल आए कोई 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 व्यक्ति आए और वो आकर बैंक से कहे ये रिकवरी मैं कर लूंगा कौन सा है मिस्टर एक्स कहा रहते हैं मुंबई में कहा ऑफिस है नरीमन पॉइंट पे ला मैं रिकवर कर लूंगा सोचिए बैंक के पास तो जान में जान आ जाएगी बैंक बोले कि रिकवर ना कर पाए तो वो देवता बोले कि अरे मिस्टर एक्स में नब्बे करोड़ दूंगा बोला, करोड़ बैंक बोला हाँ नब्बे करोड़ में एनपीए खरीद बैंक की बैलेंस शीट को तो राइट ऑफ केवल दस करोड़ करना पड़ा बैंक के पास सौ करोड़ रुपए के लोन जो उसने बांट रखे थे उसमें से नब्बे करोड़ रिकवर हो रहे आज हाथों हाथ बैंक ने दस करोड़ का समझ लिया डिस्काउंट हो गया कोई बात नहीं वैसे भी सौ का सौ तो ब्याज ले लेते हैं वो लोग आपका भी होम लोन का इंटरेस्ट देखिए मेरा कहने का मतलब समझिए कि ये है कि भाई जो सौ करोड़ रुपए आने वाले थे वो ना कहीं नब्बे करोड़ आए कम से कम दस करोड़ का ही नुकसान हुआ बिल्कुल ना आते तो क्या होता अब ये जो देवदूत है ये जाएगा उस बोरोर के पास उस बोरोर को देगा नोटिस उससे बोलेगा मैं देवदूत हूँ मैं बैंक नहीं हूँ मेरे पास बहुत समय है तुझे खा जाऊंगा मैं तेरी संपत्ति निगल जाऊंगा मैं तेरी जो संपत्ति है उसको कचहरी में चाहे कितने ही साल लगे तुझे नहीं आनंद लेने दूंगा पैसे दे दे मेरे मेरा कहने का मतलब क्या है कि बैंक के पास रिकवरी के इतने साधन नहीं है जितना उस देवदूत के पास है मैं ये नहीं कह रहा कि उसको लिटरली वो यही सब कुछ जाके बोलेगा लेकिन हाँ देवदूत के पास इनफ टाइम और रिसोर्सेज हैं उस रिकवरी को करने के लिए वो रिकवरी नहीं हो पाएगी तो वो एक्विजिशन कर लेगा कोलेट्रल सिक्योरिटी का मैनेजमेंट ले लेगा वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटवा देगा लेकिन वो रिकवरी कर लेगा अगर संभव होगी इंसोल्वेंसी नहीं हुई होगी तो तो ये जो देवदूत है ये असल में स्पेशल टाइप की कंपनियां होती हैं इनको बोलते हैं एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्योंकि इन्होंने एनपीए कोई तो जिंदा किया नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैंक की खराब हो गई थी वो ये खरीद के ले गए और रिकवरी बोर से कर ली तो जो बैलेंस शीट में खराब बैड डेट हो गए थे एसेट रिकंस्ट्रक्ट कर दी एनपीए हट गया और पैसा या डिवेंचर या कोई और इन्वेस्टमेंट के रूप में पेमेंट आ गई मतलब बैंक की बैलेंस शीट बढ़िया हो गई तो ये जो कंपनियां हैं, इनको ओपन करना कैसे होगा <laughs> इनकी रनिंग कैसे होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ए बोलते हैं इनको हमारे देश में ज्यादा नहीं है आप गूगल पे लिस्ट चेक कर सकते हैं एसएडी रीकंस्ट्रक्शन कंपनियां जो हमारे देश में हैं उनका यही काम है कि वो एनपीए बाय कर लेती हैं और रिकवरी का काम फिर वो खुद करती रहती हैं क्या आपको ये समझ आ गई बात लेट अस एंटर इनटू द चैप्टर ऑफ सरफ़ासी। देखिए दोस्तों पहले सरफ़ासी का मैं आपको वेटेज बताता हूं सर्फासी का वेटेज ऐसा है कि जून 17 में आई नहीं फिर 8 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 4 नंबर फिर दिसंबर वाइज में गोल जून तेईस में आठ नंबर दिसंबर तेईस में सात नंबर और फिर से जून चौबीस में गोल आइए क्या होता है मैं बता देता हूं जैसे वो जो देवदूत वाला आदमी आया था और एनपीए खरीद के ले गया तो बदले में जरूरी नहीं वो कैश दे बदले में वो डिबेंचर दे सकता है तो वो सिक्योरिटाइजेशन हो गया एसेट के बदले इन्वेस्टमेंट्स आ गए बैंक की बैलेंस शीट में लोन था उसकी जगह डिबेंचर आ गए तो बैंक उससे एआरसी से बाद में पैसे ले लेगा कम से कम बोरोअर्स की तुलना में ये तो पैसे पक्का दे देगा ना ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब जानते हो आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब है कि जो कोलेट्रल सिक्योरिटी है अब वो उसकी हो गई एआरसी की एंड कनेक्टेड मैटर्स 21 जून 2002 को ये कानून हमारे देश में लागू हुआ मेजर एडवांटेज या मेजर पर्पस इस कानून का क्या है वही जो मैंने आपको बताया बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद करना कि उन्होंने जिन लोन्स में अपना पैसा फंसा दिया जिसकी वजह से इनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो गया रिकवरी हो नहीं पा रही उसको इंप्रूव करने के लिए यह कानून बनाया गया इस कानून के अंतर्गत 2004 और 2012 में अमेंडमेंट किए गए और जो हमारे लेंडर्स हैं या जो हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं इनको शक्ति दी गई कि ये बोरोवर की एसेट्स को टेक ओवर कर सके क्योंकि बोरोवर का कोई लॉस तो हुआ नहीं ना वो तो हमारे पैसे से नाच के चला गया हमारे पैसे से यानी बैंक के पैसे से एंजॉय करके चला गया उसको भी तो पेन होना चाहिए तो उसका बिजनेस उसका एसेट उसका सिक्योरिटी ये सब टेक ओवर करने का अधिकार बैंकों के पास आ गया या ये जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं इनके पास आ गया हाँ जी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एसेट रीकंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया सिक्योरिटाइजेशन या रीकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अपना किसी भी बैंक की फाइनेंशियल एसेट्स ले लेगी और उसके बदले उसको पेमेंट कर देगी एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी जो इस आर के अंतर्गत रजिस्टर हुई बोरोवर किसे कहते हैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोरोवर की डेफिनेशन एग्जाम में आनी चाहिए थी लेकिन पता नहीं आती क्यों नहीं बोरोवर उस इंसान को कहते हैं पहला जिसने बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस ली ये तो हमें सबको समझ आता है बोरोवर उसे भी कहते हैं जिसने गारंटी दी क्योंकि अगर मेन वाला लोन नहीं देगा तो हम गारंटर से लोन मांगेंगे लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि बोरोवर में वो आदमी भी शामिल है जिसके लोन को एनपीए में ट्रांसफर करके एआरसी को बेचा जा सकता है जा चुका है सपोज करिए मिस्टर एक्स का जो लोन था वो एनपीए हो रहा था

मैंने लिख रखा है बोरोवर इज इक्वल टू एक्चुअल बोरोवर प्लस गारंटर प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइडर जिसने सामान गिरवी रखा वो भी बोरोवर जिसने गारंटी ली वो भी बोरोवर जिसने लोन लिया वो तो है ही बोरो और ये भी ध्यान रखिए कि बोरोवर बैंक के लिए भी बोरोवर है और एआरसी के लिए भी बोरोवर है एनपीए ट्रांसफर होने से पहले बैंक का और एनपीए ट्रांसफर होने के बाद एआरसी का ठीक है डिफॉल्ट किसे कहते हैं हां जी डिफॉल्ट किसे कहते हैं बहुत कीमती चीज ध्यान से देखिएगा आपने पेमेंट नहीं करी किसी लोन की और आपको बैंक ने क्लासिफाई करा एनपीए तब आप एनपीए होते हैं मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं करी और आपने बैंक से डिस्कस कर लिया बैंक कह रहा है कोई बात नहीं शर्मा जी आपको कितने चार महीने और चाहिए आप करो नहीं चौदह कोई बात नहीं सोलह महीने ले लो आप दे देना पैसे अगर बैंक की नजरों में आप एनपीए नहीं है तो आप एनपीए नहीं है ऑटोमेटिक नहीं होता एनपीए ठीक है NPA। पहले तो ये ध्यान से समझ लीजिए प्लीज क्लियर हो गई बात दूसरा नॉन पेमेंट इवन आफ्टर 90 डेज डिमांड नोटिस दूसरा तरीका एनपीए बनने का क्या है मान लो बैंक को आपको शक हुआ बैंक ने आपको चिट्ठी भेजी चिट्ठी भेजने के 90 दिन तक आपने पेमेंट नहीं करी प्लस डेट सिक्योरिटी यानी कि डिबेंचर्स क्लासिफिकेशन एज एनपीए तो भी आप एनपीए हो जाएंगे तो आप ध्यान से समझिए ये दो चीजों को एनपीए कहा जा रहा है क्लियर हो गई जी बात तो यहां डिबेंचर होल्डर की बात चल रही है और यहां नॉर्मल लोन की बात चल रही है फाइनेंशियल एसेट का मतलब वैसे मैं आपको बताऊं फाइनेंशियल एसेट मैंने अभी बताया ना कि बैंक जितने भी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है जितने भी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प करता है जितने भी कैटेगरी के लोन बांटता है वो सब बैंक की बैलेंस शीट में तो आएगा तो वो फाइनेंशियल एसेट ही तो तो चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड मूवेबल का हो या मूवेबल का राइट इंटरेस्ट किसी भी सिक्योरिटी का किसी भी प्रॉपर्टी का एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है दोस्तों वो यही माना जाएगा कि वो फाइनेंशियल एसेट है अब एनपीए बिल्कुल सेम और सिमिलर नेचर की डेफिनेशन थोड़ी देर पहले आपने देखी थी वाज वॉज डिफ़ॉल्ट कब माना जाएगा और एनपीए कब माना जाएगा मैंने अभी आपको बताया कि जब तक बैंक क्लासिफाई नहीं कर देता तब तक आप एनपीए नहीं हो सकते अगर बैंक आपका लोन अकाउंट कहता है कि वो सब uh, स्टैंडर्ड है या डाउटफुल है या लॉस एसेट है तब जाकर आप एनपीए बनते हैं दूसरी बात अगर आप रीजनल रूरल बैंक हैं तो बिल्कुल नाबार्ड की तरह आप यह काम कर सकते हैं मतलब नाबार्ड आपके लिए काम करेगा रीजनल रूरल बैंकों के लिए गवर्निंग अथॉरिटी नाबार्ड है और बैंकों के लिए गवर्निंग अथॉरिटी जो है वो RBI है अब ये देखिए जून 2014 में दो नंबर का क्वेश्चन आ चुका है वॉट आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब है क्वालिफाइड बायर देखो एक बात समझो वो जो आ, वो है क्या कहते हैं देवदूत वाली कंपनी उसके पास पैसा कहां से आया उसके पास इतना सारा पैसा कहां से आया कि नब्बे करोड़ दे के बैंक से रिकवरी वाला लोन उठा के ले गई वो उसने जरूर अपने कुछ सिक्योरिटीज बेची होंगी डिबेंचर्स बेचे होंगे बॉन्ड बेचे होंगे या शेयर बेचे होंगे किसको इन लोगों को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर उस एआरसी के शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं जहां से उसके पास पैसा आता है और उस पैसे का प्रयोग करती है वो एनपीए को खरीदने में सिक्योरिटाइजेशन क्यों बोलते हैं मैंने आपको बताया था क्योंकि सिक्योरिटीज इशू करके उस देवदूत ना मतलब यानी कि रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने पैसे इकट्ठे करी वो पैसे बैंक को दिए या बैंक को भी डिवेंचर थोड़े से इशू कर दिए बैंक से एनपीए खरीद लिए और बोर के पास जाकर रिकवरी कर ली समझ आया गुड नाउ जून 2016 में क्वेश्चन आया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब बताओ फाइनेंशियल एसेट का मतलब बताओ। जून 2023 में नंबर में क्वेश्चन आया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब बताओ क्वालिफाइड बायर का मतलब बताओ और सिक्योरिटाइजेशन का मतलब बताओ सोचिए आप सिर्फ डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ओवरव्यू है भी आपने उससे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो आप अपनी आंखें खोलिए दुनिया उतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमने सोच रखी है यात्रा उतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमने सोच रखी है परेशानी उतनी आती नहीं है जितनी हमने नाप रखी है प्लीज प्रसन्न रहिए, चलिए खैर अब थोड़ा धैर्य लगा के पढ़ना है आपको थोड़ा सा फोकस से समझना है ये चैप्टर बैंकिंग की तरह ऑब्वियस नहीं है इसमें थोड़ा कॉमन सेंस कम लगता है जो डेफिनेशन और ओवरव्यू में हमने स्पीड रखी वो अब हम नहीं रख सकते ठीक है देखो सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन के बाद कि ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा सबसे पहली बात आरबीआई से इनको लाइसेंस मिलता है इनका नेटोन फंड दो करोड़ रुपए या फिर एज में भी प्रेस्क्राइब अगर ये कंपनी जो देवदूत वाली कंपनी है मैं देवदूत वाली कंपनी की जगह एआरसी बोलूंगा ताकि आपके जमान पे भी एआरसी पड़ जाए एआरसी <laughs> मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसको कोई लॉस नहीं होना चाहिए पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में इसके पास एडिकेट अरेंजमेंट्स होने चाहिए कि ये रिकवरी कर सके ये बैंक को या अपने डिपॉजिटर को अपने डेवेंचर होल्डर को अपने सिक्योरिटी होल्डर अपने इन्वेस्टर्स को पे बैक कर सके इनके डायरेक्टर्स के पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके डायरेक्टर्स को कभी भी कोई कन्विक्शन यानी जेल वगैरह नहीं होनी चाहिए इनका स्पॉन्सर जो है वो एक फिट कंपनी होनी चाहिए और आरबीआई के प्रोडेंशियल नॉर्म्स का इसको पालन करना है ये है कंडीशंस ऑफ लाइसेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिकंस्ट्रक्शन वाली कंपनी को ओपन होने के लिए इन कंडीशंस को पूरा करना मैंडेटरी है ठीक दूसरी बात अब जब आपका एआरसी में जन्म हो गया अब जब आप देवदूत वाली कंपनी बन गए अब जब आप ए बन गए तो आपको ध्यान रखना है ये तीन चीजें ये तीन चेंजेस करने से पहले आपको आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा पहला अपने मैनेजमेंट में चेंज करना हो तो अपनी लोकेशन में चेंज करना हो तो अपने नाम में चेंज करना हो तो ये तीन काम करने से पहले आरबीआई का अप्रूवल मेंडेटरी है, ठीक है मैनेजमेंट में चेंज छोटा हो, मोटा होगा तो कोई बात नहीं आरबीआई से मत पूछो मैनेजमेंट में जब बड़ा चेंज होगा तब आरबीआई से पूछना है तो मैनेजमेंट से जब बड़ा चेंज होगा तब पूछना है तो वो बड़ा चेंज क्या होता है चेंज इन मैनेजमेंट बाई ट्रांसफर ऑफ शेयर ठीक है या फिर अमलगमेशन या स्पॉन्सरशिप में चेंज यानी कि हमारा या पेरेंट हमारा प्रमोटर चेंज हो जाए आरबीआई का डिसीजन फाइनल होगा आरबीआई कहेगा कि ये बड़ा चेंज है मुझसे पूछो तो ठीक है आरबीआई कहेगा ये बड़ा चेंज नहीं है मुझसे मत पूछो तो नहीं अब इस छोटे से टॉपिक पर ये देखिए आप क्वेश्चन है चार नंबर दिसंबर 2021 का कोई इमेजिन कर सकता है इस नन्ने से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा इसलिए कहते हैं कि हर चीज पर ध्यान दो भाई आपके मान लीजिए गले नहीं उतर रही आप फास्ट ट्रैक में बैठे हैं ये चैप्टर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा पहले अब आपको पता चल गया कि ये तीन चीजों के लिए अप्रूवल लेना है तो ये तीन चीजें तो याद कर लो कि हर चीज में बिल्कुल प्रॉब्लम ही ढूंढनी है खैर कॉन्सेप्ट फोर अभी आपने पिछले कॉन्सेप्ट में एआरसी कंपनी को लाइसेंस दिलवाया अब अगले कॉन्सेप्ट में उसका लाइसेंस छीन लेते हैं और क्या आइए आर कैंसिल कर सकता है अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से इन्वेस्टमेंट इनको नहीं मिली इन्होंने बिजनेस बंद कर दिया इन्होंने रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस फूली नहीं पूरी नहीं करी फुलफिल नहीं करी आर के डायरेक्शंस फॉलो नहीं करे अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे आर ने इंस्पेक्शन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स मांगे ये दे नहीं रहे और आर से अप्रूवल लेना जब चाहिए तो ये ले नहीं रहे तो सारे कांड ही तो हैं गड़बड़ वाले तो अगर ये काम करा तो इनका लाइसेंस क्या हो जाएगा कैंसिल हाँ वो सही है कि अपॉर्चुनिटी एक बार मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग करेक्शंस दो अपॉर्चुनिटी लिखी है यहाँ पर पहला सुनवाई का मौका आरबीआई के द्वारा इनको दिया जाना चाहिए दूसरा गलतियों को ठीक करने का मौका इनको मिलना चाहिए ऐसा नहीं है कि गलती हुई तो साहब लाइसेंस कैंसिल कर दो फटाफट ना ये देखो दिसंबर 16 3 नंबर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दिसंबर सत्रह आठ नंबर जून उन्नीस पांच नंबर कैंसिलेशन के ऊपर देखिए क्वेश्चन दिसंबर सोलह तीन नंबर दिसंबर सत्रह आठ नंबर जून उन्नीस पांच नंबर आप सोचिए सेम क्वेश्चन एक बार आठ नंबर में आ गए, एक बार पांच नंबर में आ गए, आप कहती हो तो तो पाठ नंबर होगा तो ज्यादा लिखेंगे ऐसा नहीं करना है जितना यहां पर है उतना ही आपको लिखना है अगला एक्विजिशन ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स प्लीज ध्यान से देखिएगा देख या तो उसको डिवेंचर करेगी या पैसे। यही लिखा है देखो यहां पर। या तो डिवेंचर या बॉन्ड या फिर कोई एक अग्रीमेंट अब वो अग्रीमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है बस आपको ध्यान देना है कि इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती एक तो बैंक वैसी दुखी है उसे स्टैंप ड्यूटी और लगवा दो मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन दिस इज इंपॉर्टेंट एक बात सोचो एआरसी ने एसेट खरीद ली एनपीए खरीद लिया अब एआरसी आर वहां गई उसके पास बोर के पास बोरवर के पास जाके रिकवरी करेगी तो उसके तरीके क्या हैं ये वो है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ बोर उसके बिजनेस की सेल या लीज करना उसको रीशेड्यूल कर देना कि चलो दो साल नहीं पाँच साल में लोन चुका देना एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है कि उसकी संपत्ति जो गिरवी थी अब उसे बेच देंगे नोटिस इशू करके बोरोवर के, के ड्यूज सेटल कर देना बोरोवर ने जो ड्यूज देने हैं बैंक कहेगा वो हम दे देते हैं तुम तो बिजनेस करके हमें लोन चुकाओ उसकी एसेट्स को पोजेशन में ले लेना डेट को शेयर में कन्वर्ट कर देना क्या कर सकते हैं ये कुछ रास्ते हैं जिनसे हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं आप एक बैंक के नज़र से सोचो

टेंशन फ्री होकर हमें ईएमआई भरता रहे हम खुश रहेंगे उसको भी तो टेंशन फ्री रखो दिस इज क्वाइट पॉसिबल आरबीआई की डायरेक्शन आपने फॉलो करनी है अब देखो दिसंबर 2023 में ये सात नंबर में आया है। जो मैंने आपको अभी यहां बताया बस इतना सा आंसर थोड़ा सा आप लोगों को जागने की जरूरत है थोड़ा सा आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि पेपर में प्रश्न चांद से उतर कर नहीं आता मंगल ग्रह से तो बिल्कुल नहीं आता पेपर आता है स्टडी मटेरियल से कम से कम इकोनॉमिक लॉ की अगर बात करें तो पेपर आता है हमारे रिवीजन से पेपर आता है हमारे क्वेश्चन बैंक से पेपर आता है हमारी किताब से कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं सच बता रहा हूँ आपको दिल से खैर अदर फंक्शन ऑफ ए आर सी अब ये जो एसेड रिकंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है ये और कोई काम कर सकती है कि नहीं कर सकती हाँ जी कर सकती है आरबीआई से अप्रूवल लेकर लेकिन आरबीआई अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर वो ये तीन काम करे तो पहला बैंक का एजेंट रिकवरी एजेंट बनकर काम करे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट संभाल ले या फिर इंसोल्वेंसी में रिसीवर का, का काम करे ये तीन काम करने के लिए ए आर सी को आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए इन तीन काम के अलावा अपने मेन काम के साथ कोई और काम करेगी तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए इसको रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट अगर इस पूरे चैप्टर में इस पूरे एक्ट में कहीं भी कोई झगड़ा होता है तो वो कोर्ट नहीं जाएगा पहले आर्बिट्रेशन कंसिलियन मध्यस्थता से सॉल्व होगा वो कैसे झगड़े हो सकती है मतलब किस बात के अरे बैंक और बोर का झगड़ा एआरसी और बोर का झगड़ा बैंक और एआरसी का झगड़ा तो किसी का भी झगड़ा हो सकता है ये देखो दिसंबर चौदह में दो नंबर का क्वेश्चन है सर मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है पास्ट एग्जामिनेशन का और एक एक कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट का कवर कराया है यू कैन बैंक अपॉन मी अच्छा कॉन्सेप्ट नाइन करने से पहले मैं एक बार आपको वापस लेकर आना चाहता हूं कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स पर कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स क्या था बोरवर के साथ एडजस्टमेंट कैसे कैसे हो सकती है बोरोवर को हम क्या क्या रास्ते सुझाव में दे सकते हैं हम कैसे उससे पैसे को रिकवर कर सकते हैं इन लिस्ट में इस लिस्ट के अंदर एक पॉइंट था एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ये पॉइंट देखा आपने ये पॉइंट डिटेल में आपको यहां पर मिलेगा ये रहा एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या मतलब है इसका जो चीज बोरोवर ने हमारे पास गिरवी रखी थी वो अपने कब्जे में लो और नोटिस दे के बेच डालो ये देखो ये क्या है एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ फॉर एंड रियलाइजेशन ठीक है आपको पहले साठ दिन का डिमांड नोटिस देना मैंडेटरी है ठीक है वो नोटिस देने लेने के बाद भी पैसा ना दे तब ठीक है एक सेकेंड हाँ दोस्तों आफ्टर रिसीट ऑफ नोटिस इन दिस पीरियड ऑफ 60 डेज बोर जो है वो अपना ऑब्जेक्शन रेस कर सकता है ठीक है फिर पंद्रह दिन के अंदर आप रिप्लाई करेंगे और इस प्रोसेस के बाद वो एसेट आप एक्वायर कर लेंगे और बेच देंगे ठीक है रिकवरी का खर्चा भी बो, बोर से से लिया जाएगा ठीक है हाँ ये जरा ध्यान रखेंगे कई बार क्या होता है कि एक बड़ी एसेट कई लोन देने वालों कई बैंकों के पास गिरवी होती है तो कुछ भी काम करने से पहले सिक्सटी परसेंट मेजोरिटी का अप्रूवल जरूरी होगा ठीक है अगर कोई पैसा रिकवरी पेंडिंग हो गया तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं और गारंटर के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं जून अट्ठारह में चार नंबर का क्वेश्चन है इस पर हाँ ये एक अच्छा टॉपिक है ये एग्जाम में आना चाहिए मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट कई बार क्या होता है कि आप बैंक हो या आप ARC हो आपको लगता है कि का बिजनेस में दम है पोटेंशियल है आप सोचो एक कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा वो लॉसेज में दूसरी कंपनी उसका बिजनेस टेक ओवर कर लेती है तो चल जाता है तो कही कहीं ना कहीं लैक ऑफ डायरेक्शन हो सकता है ना कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो ऑफिस के उसकी कंपनी को चलाने वाले लोग हैं क्या पता है उनकी अप्रोच में कोई कमी हो पैसा ही हमेशा सलूशन नहीं हो सकता कभी-कभी स्ट्रैटेजी गलत बन रही हो तो यदि एआरसी को लगता है कि इस कंपनी के इस, इस बरोअर के जो मैनेजमेंट में लोग हैं उन्हें हटा देने चाहिए टेंपरेरी या जैसे भी तो वह ऐसा कर सकता है देखो एआरसी कैन अपॉइंट डायरेक्टर्स इन द कंपनी और एडमिनिस्टर्स कितने भी बस इस इस बात की जानकारी आपको जनरल पब्लिक को देनी पड़ेगी न्यूज़पेपर में कि फलानी कंपनी हमारी बोरोवर थी हमने उसके मैनेजमेंट को हटवा दिया है अब यह कंट्रोल हमारे हाथ में है। इस दौरान शेयर होल्डर्स की भी कोई शक्ति नहीं होती है ठीक है क्लियर हो गया बात और वाइंडिंग अप के लिए भी आप अप्लाई करने नहीं जा सकते पता चला शेयर होल्डर या डायरेक्टर वाइंडिंग अप की अप्लीकेशन लेके चले जाए हाँ, जब रिकवरी हो जाएगी तो मैनेजमेंट को हम रिस्टोर कर देंगे अब आप सोचो दिसंबर में नंबर पे क्वेश्चन है इस पर टॉपिक पे तो सरफासी और ये ध्यान रखना कि पिछले अटेम्प्ट में सरफासी आया नहीं था ठीक <laughs> है नो कॉम्पेंसेशन टू डायरेक्टर्स फॉर लॉस ऑफ ऑफिस वो ये कहना चाहते हैं कि जिन डायरेक्टर्स को हमने हटाया क्योंकि नॉन पेमेंट हो गई थी और उसका टेक ओवर हो गया मैनेजमेंट तो उसको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा ठीक है अगर एआरसी के एक्शंस के खिलाफ हमें अपील करनी है तो फिर हम कहां कर सकते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जैसे जो बैंक है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा वो रूल फॉलो नहीं कर रहा एआरसी तो बोर और बेचारा कहा जाए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपील करने जा सकता है ठीक है उसके खिलाफ अपील डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल में होती है तीस दिन में ध्यान रखना है पहली जगह पहली अदालत डी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और दूसरी अदालत डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल पहली अदालत कौन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल दूसरी अदालत डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल लेकिन अगर आप अपील में गए तो आपको 50 परसेंट पैसा जमा कराना पड़ेगा क्या मतलब हुआ इसका बोरोवर कह रहा है कि मेरे से पास मेरे से बैंक गलत तरीके से पैसे मांग रहा है अपील में जब जाएंगे आप तो जितने पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं उसका आधा आपने पहले जमा करना पड़ेगा बिजली के बिल में भी ऐसा ही होता है बिजली का बिल आपका हजार रुपये का आता है आ गया दो हजार का आप कह करो गलत है पहले बिल जमा होगा फिर केस चलेगा ये रूल है सर वो यहां पर एक पूरा तो नहीं आधा आपने देना पड़ेगा हाँ ट्रिब्यूनल उसको 25 परसेंट कर सकती है कि चलो भाई 100 करोड़ की जगह 25 करोड़ पहले जमा करो फिर सुनेंगे तुम्हारा केस चार नंबर का क्वेश्चन आ चुका दिसंबर 18 में इस पर सर आप देखिए कि मतलब पेपर में क्या क्या एग्जाम में आ रहा है हाँ, खत्म हो गया ये चैप्टर ठीक है ये सरफासी भी हमारा खत्म हो गया तो बधाई आप सबको सरफासी इज ऑल्सो ओवर थैंक यू सो मच